अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? सब कुछ सेट है? गुड। PNX अफसर, कैसे हो भैया? हमज़ा ज़ीशान, हेलो हेलो हेलो। अदनान, कैसे हो भैया? आज टूर्नामेंट है, बिल्कुल टूर्नामेंट है। आप थंबनेल देखा करो, कैप्शन देखा करो, कैप्शन में क्या लिखा हुआ है आज? बिल्कुल, हम लोग टूर्नामेंट के मैचेस करेंगे और आज है ग्रुप W का मैच। आज W जो ग्रुप है, अब ये नॉकआउट राउंड्स हैं। इसमें क्या होगा कि सॉरी गाइस, मैं ज़रा सेट होके बैठ जाऊँ। अब ये नॉकआउट राउंड्स हैं, इसमें अब आज 20 टीमें खेलेंगी, 19-20 टीमें, और इनमें से टॉप 8 सेलेक्ट होंगी, बाकी टीमें निकल जाएंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। रूम बन चुका है, लोग ऐड हो रहे हैं। और बिफोर दैट, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप हमारा टूर्नामेंट आगे कैसे जाएगा, ठीक है? ये देखें, अभी हमारा आज है 17 तारीख, आज से हमारे शुरू हो गए हैं ग्रुप राउंड्स। ग्रुप राउंड्स में आज है ग्रुप W का मैच। पहला मैच होगा 7 बजे शुरू अरेंगल में, दूसरा 7:40 मीरामार, तीसरा 8:20 सनहॉक, और लास्ट मैच होगा विकेंडी में 9 बजे। ये हमारा आज आज का दिन है, आज का स्केड्यूल है। इसी तरह कल होंगे टीम ग्रुप X के मैच, ग्रुप X के बाद इसी तरह Y और फिर Z। 20 तारीख तक जो है हमारे यही मैच चलेंगे, ग्रुप मैचेस। उसके बाद शुरू हो जाएंगे सेमीफाइनल्स, ठीक है? सेमीफाइनल्स में हमारी जो यहाँ से निकली हुई टीम्स हैं, जो टॉप आई थिंक एक ग्रुप में से 8 टीमें निकलेंगी, तो टोटल 32 टीम्स होंगी हमारे सेमीफाइनल्स में। और सेमीफाइनल्स इसी तरह 22 से, डे 22 से शुरू होगा, और उसके बाद 25th तक हमारे सेमीफाइनल्स चलेंगे, और उसके बाद 27th से हमारे फाइनल्स शुरू होंगे, और 29th को फाइनल्स ख़त्म होंगे। ये हमारा स्केड्यूल है फॉर द फर्दर क्या कहते हैं, टूर्नामेंट। ये सीन आज हमारा चल रहा है ग्रुप W का मैच। मैं ग्रुप W आपको दिखाता हूँ कि ग्रुप W हमारा क्या है, बल्कि सारे ग्रुप दिखाता हूँ आपको, रुकें 1 मिनट। ये देखें, ये हमारा W ग्रुप है, सॉरी W ग्रुप कह रहा हूँ। ये हमारे ग्रुप्स हैं जो फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे आपकी स्क्रीनों पे, आज है ग्रुप W, और उसके बाद फिर ग्रुप X, फिर Y और फिर Z। ये सारी टीम्स हैं जो हमारे साथ खेलेंगी। गाइस, देख लिया आपने, ये टीम्स हैं हमारे पास टोटल। और आज की जो टीम्स हैं वो हैं 20 टीम्स जो आपके सामने हैं, एंग्री वाले और सारे के सारे, मतलब फिट वाले, फिट 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 वाले सीन चलेंगे। अभी मेरी शक्ल देखें आप, 3 मिनट, 5 मिनट, और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारा मैच शुरू हो जाएगा। मैं काउंटडाउन लगा देता हूँ आपके पास, काउंटडाउन ज़रूरी है। उसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टूर्नामेंट से रिलेटेड, आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इधर ही हूँ आंसर करने के लिए। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर किए जाएंगे। ये ले, मैच शुरू हो जाएगा इन 3 मिनट्स।
तब तक आप उससे बात कर सकते हैं अगर दिल कर रहा है, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। आज पब्लिक किधर है? पब्लिक किधर है आज? एक मिनट में ज़रा ये लौंडों को भेज भी दो ना कि सिर्फ खेलना नहीं है, देखना भी है। कैसे देखना है? पब्लिक किधर? एक मिनट, ये रहा हमारा। एक मिनट, किधर गया भाई? शेयर कॉपी लिंक। ये लो जी, मलिक हुज़ैफ़ा, मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है आपके व्हाट्सएप पे। आपको वापस पूछने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है। आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका जो है वो सॉर्ट कर दिया जाएगा प्रॉब्लम। आप टेंशन न लो, आप ज़रूर खेलोगे। ABCD, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। सबसे पहले तो आपने परेशान नहीं होना, उसके बाद आपने बौखलाना नहीं है, ठीक है भाई? है इधर ही, टेंशन ही लेनी आपने। मुबीन भाई, PNX का होगा आज? PNX तो आउट हो गया ना, अब कैसे मैं उसको बीच में घुसाऊं? मुझे बताओ, आप क्वालिफाई तो करना था ना, मैं वास्ता तो नहीं कर सकता ना मेरी जान। आपको एक मौका दिया गया था बट नहीं हुआ ना, आपने क्वालिफाई नहीं किया। क्वालिफाई करना तो ज़रूरी है। क्या सीन है? एक्साइटेड चल रहे हो सारे के सारे, जितने भी प्लेयर्स हैं। मेरा ख्याल है रूम किसी भी लम्हे जो है ना वो मैच स्टार्ट हो जाएगा। पहला मैच है अरेंगल में और टीमें सारी की सारी ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, रेडी हैं। किसी भी पल जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। साथ में पीछे हल्का सा म्यूज़िक लगा देते हैं। चाहिए म्यूज़िक? ओपी ब्रो, ग्रुप एक्स कल है, बिल्कुल कल है सर जी। ग्रुप डी से 10 एंड 11 की टीम से सेम पॉइंट से, बट कुछ तो प्रॉब्लम होगी शहराज अहमद। अगर 11 ने क्वालिफाई नहीं किया तो 10 नहीं किया, डेफिनेटली कुछ और तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया होगा। अब वो मुझे पता नहीं पॉइंट्स के ऊपर और क्या है पोजीशन पॉइंट, और वो सब कुछ देखते हैं यार। टीम पूरी है, वो मैनेजमेंट देख रही है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। अफसर भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारा आगे का कैसे चलेगा। एक मिनट, ये देखो, ये देखो, मैच शुरू हो गया है गाइस। सारी की सारी टीमें आ चुकी हैं, लोबी खुल चुकी है। आज हमारा मैच जो है वो शुरू हो गया है, पहला जो अरेंगल में है, और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये मैं आपको बता दूंगा। एक मिनट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लड़के भाई अभी समझ लें कि हमने जो टॉप की टीमें निकली थी उन वो आपस में लड़ रही हैं, अब वो वाला सीन है। तो बस एनर्जी भाई को मज़ा ही आ जाए आज। लो जी, एंग्री वालो भाई, पूरा पूरा क्लैन किधर है आपका? पूरा क्लैन लाओ ना भाई। ये 512 वाले भी पूरे नहीं हैं। बोल्ट बोटो,
ये भी पूरे नहीं है, मिस्टर वाले भी पूरे नहीं है, डीसी वाले पूरे आए हैं, डीसी के दोनों क्लैन आए हैं, और एफडी पूरे आए हैं, हाओ के भी एक बंदा कम है, एमबी का एक बंदा कम है, के फोर ई का एक बंदा कम है, एनओई के पूरे हैं, जीकी के पूरे हैं, पीएस के पूरे हैं, एसएम के पूरे हैं, और आरके के भी पूरे हैं। सो इसी तरह आपने जो है ना भाई, प्लीज़ के प्लीज़ सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पैम नहीं करो, मुझे टाइम आउट करवाना पड़ेगा, ठीक है? आपने स्पैम नहीं करना बिल्कुल भी। लेट्स सी आर की कितना को बचेगा, अभी पता चल जाएगा। ये डीसी जो क्लैन है ये हमारे सामने, एक मिनट, ये ज़रा मैं म्यूज़िक को कर दूं बंद, बिल्कुल हल्का सा मैंने छोड़ा, सो यू गाइस कैन एन्जॉय मी विद द म्यूज़िक। ये जी 8 नंबर क्लैन बहुत ही सेफ खेल रहे हैं सारे। रोजहोक में हो सकता है कि लड़ाई हो जाए, क्योंकि दो क्लैन एक साथ उतरे हैं, और इधर भी चांसेस हैं, चांसेस नहीं बल्कि हो सकती है इधर लड़ाई। एंग्री और 512 एक साथ उतरे हैं, ये देखें जी, पहला फायर जो है हमने सुन लिया है आज के मैच का। ये क्यों अभी तक मुझे आवाज़ हवा की आ रही है, ये क्या चल रहा भाई? एंग्री नवाब ने ठोक दिया है भाई किसी को, एंग्री नवाब खुद ठोक, एंग्री वन ने 512 के जो मलिक साहब हैं उनको ठोका है, और ख़ुद भी नोक हो गए हैं आई गेस, नहीं खुद नोक नहीं हुए बट ही डिड अ रश और ख़ुद सरवाइव कर चुके हैं। एंग्री जिंदाबाद, एंग्री के सुल्तान इनके साथ है, सिर्फ दो प्लेयर खेल रहे हैं, लेट्स सी कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे। 512 के भी दो प्लेयर रह गए हैं, तीन थे, 3 वर्सेस 2 था, अभी 2 वर्सेस 2 हो गया है। पुचेंकी के ये हालात हैं, पुचेंकी में यही दो क्लैन हैं, और बाकी टीम्स जो है ना बहुत ही सेफ खेल रही हैं, जैसे टूर्नामेंट में खेला जाता है, सर्वाइवल इज़ द गेम। मालिक डुक्रूस भाई, ओहो, इधर भाई लाजिम लड़ाई होगी, लड़ाई देख के ही जाते हैं, मुझे लग रहा है कि लड़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। एंग्री के सुल्तान और नवाब, आर के किधर है? आर के को बिल्कुल दिखाता हूँ मैं, ये लें जी, आर के डिसरिस्पेक्ट, जो डिसरिस्पेक्टफुली ओपी हैं, बोल रहे हैं काफ़ी देर से, डिसरिस्पेक्ट ओपी, डिसरिस्पेक्ट ओपी, डिसरिस्पेक्ट ओपी हो गया। आय हाय हाय हाय, ये वाली मीठी आवाज़ जो है ना वो भाई को सुनने में बड़ी मज़े की लगती है, तर्रम, ये बहुत ज़रूरी है भाई। सब के सब जितने भी लोंडे देख रहे हैं सब ने यस कराओ, यस कराओ, किस चीज़ को यस करवाना है आपने? आपने सब्सक्राइब के बटन को यस करवाना है, साथ साथ स्ट्रीम को लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि हमारा टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। सो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को यस करवाओ अभी के अभी, जल्दी। लो जी एंग्री सुल्तान, और ये जब से फाइट नहीं ले रहे बाकी सब लोग को दिखाते हैं, पीएस वुल्फ और डीसी क्लैन, डीसी का, डीसी वाले गाड़ी पे भी भाग रहे हैं भाई, सामने एफडी, हाय हाय हाय। लास्ट में जो मुझे अभी से मज़ा आ रहा है ये सोच के कि लास्ट में जो फाइट होने वाली है ना वो बड़ी कमाल होने वाली है। हाय 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 हाय, जाके वापस पचंकी के हालात देखते हैं, पचंकी में किधर क्या हालात चल रहे हैं भाई। शायान सोहेल, मैं आपको 10 दफ़ा बोल चुका हूँ, प्लीज़ स्पैम नहीं करो, एक ही चीज़ बार बार नहीं लिखो। आई गॉट इट ब्रो, मैंने शाउट आउट भी दे दिया, अभी आप भाई को भी थोड़ा सा जो है ना प्यार मोहब्बत दें, जाके सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, नपें उसको, जाके नप दें, ठीक है? ये आ गया एंग्री सुल्तान, एंग्री भाई, गेट एंग्री एंड किल द रेस्ट, मिस्टर मुसफ़ा, मुफासा, सॉरी मुफासा, जल्दी बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, जो टाइम आपको ग्रुप्स में भेजा गया उस टाइम से थोड़ा सा टाइम ऊपर ही था, बिल्कुल भी जल्दी नहीं था, टाइम से पहले स्टार्ट नहीं हुई, टाइम जो था आपको दिया गया था जो ग्रुप्स में विद पासवर्ड एंड आईडी और पासवर्ड, उसके हिसाब से ही जो है ना वो रूम स्टार्ट हुआ है।
उससे पहले कभी नहीं होता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप नपो जाके, आप नप दो, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। मामा को बोलना कि मुबीन भाई ने बोला है। कोई बात नहीं, ये दिया 1 2 3 और ये 5। बहुत आला मुफस्सा, बच कैसे गया भाई? शहीर भाई थोड़ा सा ज़रा स्प्रे अपना सेट करो, ये क्या हरकत की है आपने? इतना खुला मैं कह रहा हूँ मौका किसी को नहीं मिलता जितना आपको मिला। मुफस्सा साहब को डैमेज भी नहीं हुआ कुछ भी, वो निकल गया भाई, लोंडा निकल ही गया। ये बड़ी नौबड़ों वाली हरकत की है, लेकिन खैर मुफस्सा भाई निकले, कुछ ख़ास हुआ नहीं मुझे लगता है। ओहो मुफस्सा भाई भी नबड़े हुए हैं आज। एंग्री सुल्तान, अरे सुल्तान ये देखें जी, मुफस्सा भाई चाह क्या रहे हैं? नथिंग कैन स्टॉप मी, आई एम ऑल द वे अप, आई एम ऑल द वे अप। सही कह रहे हो, नहीं हैगा उत्थे कोई भी, नहीं हैगा हालात। हाय 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 क्या सेव गेम खेल रहे हो ना लोंडो। सही 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 सही। अब्दुल्ला भाई जाके सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, आज तो दबा ही दें ठीक है। उसके बाद ये जिसको भी आप चुप कर बोल रहे हैं ना, चुप कर जाना चाहिए, अब्दुल्ला भाई की बात सुने। अब्दुल्ला भाई बहुत तपे हुए आए हैं। लो जी MB और सामना हुआ है, मुझे फाइट की खुशबू आ रही है। नहीं सबके सब सेफ गेमर्स, सबके सब सेफ गेमर्स हैं भाई। चेक कर रहे हैं, खामोशी चेक करें आप, चीले उड़े हैं यहाँ पे। लो जी NOE के मास जो हैं अपनी रेड बुलें मार रहे हैं। और मुफस्सा भाई अकेले क्यों आए हो आप, मुझे ये बताओ। नहीं नहीं नूब तो कोई नहीं है, अभी तो कहानी शुरू होगी, अभी तो शहानी शुरू होगी। शामी को देख लिया, वापस चलते हैं 512 पे। 512 का क्या सीन है मुझे अभी तक समझ नहीं आई, किस बेस पे नाम रखा हुआ 512, मतलब 512 क्या होता है? चेक करते हैं SMDCX। NOE, ओहो हो कहीं तो फायर हुआ, किसी ने तो स्नाइपिंग की, कहीं तो मज़ा आया। जाके देखते हैं भाई किधर से क्या हुआ है। ओहो हो हो, ये देखें ये चल रही है यहाँ पे स्नाइपिंग। ओए दिया 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 दिया, रश कर चुके हैं। और मिस्टर हारिस जो है बड़ी आला किस्म की जो है वो स्नाइपिंग कर रहे हैं। हारिस भाई किधर हैं आप? हारिस भाई ज़रा मुखड़ा तो दिखाएं। किधर है हारिस भाई? ओए नहीं 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 नहीं, MBX के स्मोकर हो गए हैं नॉक, और बल्कि दो लोग नॉक हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सिचुएशन इस टाइम क्या है। मिस्टर के जो हैं वो एक बंदा बचा है, हरी और बाकी जो है वो नॉक हो चुके हैं। ये
रश कर दिया है कि टीएनटी ने, और टीएनटी नेट हाथ में लेके गए हैं और टीएनटी ने नेट दिया और पूरा ही खा गए। बहुत आला टीएनटी, लिटरली टीएनटी वाली हरकत की है इन्होंने भाई, टीएनटी वाली ही हरकत की है। वापस देखते हैं मुफस्सा भाई भी मुझे लगता उड़ गए। यहाँ पे हालात काफ़ी टाइट हैं, ये देखें सर्कल के बाहर बैठ के इन्होंने काफ़ी देर वेट किया एफडी वालों को, एफडी के विकी को इन्होंने स्प्रे दिया, लेकिन एफडी के विकर फिलहाल बच गए हैं या नॉक हो गए हैं, नॉक हो चुके हैं और पूरे के पूरे खाए गए हैं। आरके क्लैन काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और उसका फ़ायदा हो गया, एफडी के विचर जो हैं वो फ़रार हो चुके हैं और अकेले बचे नहीं, अपने इनके बाकी के दो क्लैन मेंबर भी हैं जो कि थोड़े से भटके हुए हैं, पीछे रह गए। ये देखें पहला सर्कल तो सबके सब हलवा ले लेते हैं ना, उसको कुछ समझते ही नहीं है, पहले सर्कल को तो कुछ समझा ही नहीं जाता है। टॉक्सिक ओपी मेरी जान, स्लॉट ख़त्म हो चुका है, अभी टूर्नामेंट तो आधा हो गया भाई, अभी ग्रुप राउंड्स चल रहे हैं, इसके बाद सेमीफाइनल्स फिर फाइनल्स। थोड़ा लेट कर दिया मेरी जान, थोड़ा लेट कर दिया आपने। आरके 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 को दिखाता हूँ मैं मेरी जान, पीएसके वुल्फ अभी ये देखते हैं, ये आमने सामने हुए हैं रेड के आरके के जिनीलियो, और ये देखें ये पीछे से एनओई जो पूरा का पूरा क्लैन है ये बीच के किनारे पे बैठ के मत्थे पे बैठ के जो है ना सबको ले रहे हैं, बारी बारी सबको ले रहे हैं। आला हो गया की ये क्या हुआ भाई, कोशिश बहुत कर रहे हैं पर हो कुछ नहीं रहा। फ्लैश गेमिंग थैंक यू सो मच मेरी जान, जाके सब्सक्राइब का बटन भी दबाओ सबके सब, सब्सक्राइब के बटन की जो नोटिफिकेशन है वो मेरे कानों में बजनी चाहिए भैया, ये लाइफ लाइन है समझ लो, इस टूर्नामेंट की लाइफ लाइन यही है कि आपने सब्सक्राइब करते रहना, सही है। एफ डी डीसी हाउ के डिफॉल्टर, हाय 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 बिखरे रहोगे कभी तो सिमटोगे मेरी जानो। फ्लैश गेमिंग थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मेरी जान, लव यू हो गया। जितने भी लोंडे देख रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं है सिर्फ देख रहे हैं भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि नेक्स्ट जो हमारे जो टूर्नामेंट के मैचेस हैं वो उसमें आप पहले से ही आप मौजूद हों, ठीक है। अहमद रज़ा थैंक यू सो मच मेरी जान, अहमद रज़ा को लंबा वाला बहुत बड़ा शाउट आउट, सब शाउट आउट ही दिया भाई, गंदी बात नहीं करनी है आप लोगों ने यहाँ पे बैठ के। रजोक में भी काम पखने वाला किसी भी टर्म, मेल्टा में सॉरी, मेल्टा रजोक सब सेम लगता है मुझे। शेरी अली विनिंग जो प्राइस पोल है वो 15,000 विनिंग फर्स्ट टीम को मिलेगा, उसके बाद फिर फर्दर जो है सेकंड थर्ड टॉप 10 तक जो है प्राइजेस हैं, टॉप 10 टीम्स तक आपको प्राइज दिए जाएंगे। उसके अलावा एक स्पेशल प्राइज है वो होगा मैक्सिमम किल्स इन द फाइनल गेम, और एक स्पेशल प्राइज मेरी तरफ से होगा एक जो भी आप जैसे व्यूअर्स हैं उनमें से किसी एक को मैं सेलेक्ट करूँगा और उसको स्पेशल प्राइज दिया जाएगा कैश प्राइज। सो इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि हमारे पास कंपटीशन अच्छा हो।
15,000 फर्स्ट प्राइज़ है, और उसके बाद टोटल जो पूल है वो 50,000 का है, 50, और डिस्ट्रीब्यूट होगा टॉप 10 में, लेकिन जो जी टीम जीतेगी उसको 15,000 मिलेगा। डीसी वालों कुछ करो, किसी के भी किल नहीं है, 42 अभी भी लोग जिंदा हैं, समझ रहे हो, 13 टीम्स अभी भी जिंदा हैं। सो बहुत टाइट हो गया माहौल। जो माहौल है वो बहुत ही टाइट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? ओहो, देखे ना, सर्कल छोटा और टीमें आमने सामने, डेथ रेस चल रही है अभी, सब एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। ये देखें 11 और 21 आमने सामने, अब तो लड़ाई बनती है बॉस। एफडी विचर को दिया, किसी ने तो दिया। ये देखें एफडी विचर जो है वो इस टाइम है नॉक, ये कर दिया इन्होंने, रश कर दिया है आरके की टीम ने एफडी पे, और ये देखिए आमने सामने लड़ाई हो रही है, आरके के डिसरिस्पेक्टफुली आ रहे हैं आगे, और एफडी वालों ने स्प्रे बैक किया, मलिक जो है मलिक साहब उनको नॉक कर दिया है। जो आरके के डिसरिस्पेक्ट हैं वो छोटी सी ममटी में छुप गए हैं फिलहाल, लेट सी के क्या बनता है आगे। ओ मलिक साहब ने तो चकलो, क्या बात है भाई, नेड किंग है ये लड़का भाई, नेडो नेड कर देता ज़िंदगी, बहुत आला बहुत आला। 3 vs 3 देखना ये है कि जीतेगा कौन। नेड दिया फिर से डिसरिस्पेक्टफुली, बट अपने पास ही आके फटा एक नेड इन्होंने दिया, लेकिन थोड़ा दूर था, मलिक साहब ने चक लेता जो जहर साहब ने, अभी जाके एफडी वाले जो है ना, एफडी वाले बहुत ही क्लेवर चल रहे हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ वगैरह पूरी की है, अब जाके मेरा ख्याल है कि वो रश करने का सोचेंगे या फाइट लेने की सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है देखिए आरके के उज़ैर जो है फ्लैंक करके एफडी विचर के पास जा रहे हैं, देखना ये है कि क्या ये सक्सेसफुली रश कर पाएंगे। एफडी विचर को मिला डैमेज नेट से, और एफडी इजाज जो है वो लेट चुके हैं और वो थोड़ा सा बैकअप पे हैं। ये आमना सामना हुआ विचर का और मलिक साहब का, एफडी विचर को नॉक कर दिया है और आमने सामने आ गया ब्लैक बेल्ट, उस जैर भाई ने पूरा का पूरा क्लैन दिया उड़ा उड़ा दिया है। आरके क्लैन जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद हो गया। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैच हो जो है ना वो आमने सामने हुआ है, 17 और 19 नंबर, 19 का एक जो है वो गुंडों में फंसी हुई है रजिया, बाकी के जिनके टीम मेंबर हैं वो थोड़े दूर हैं, वो देखें आप जिसमें देख सकते हैं एसएम एक क्लैन है, गीकी वाले इनके सामने आ गए हैं, और ये दिया नेड और SMDCX हो गए नॉक, बहुत ही बैड लक। क्लैन वाले आए हैं गाड़ी पे इनको बचाने, सीधा रश किया इन्होंने, सीधा रश किया है लेकिन गलती की, बच गए एसएम बाबा अच्छी गाड़ी चलाते हुए। ये देखें कोई चांस नहीं है कि अपने टीममेट को उठा लें, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। वापस जाते हैं डीसी वालों की तरफ, डीसी के सामने है 16 नंबर, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी सिचुएशन क्या चल रही है। ये देखें डीसी और एनओई आमने सामने, एनओई के ज़ारा ने जो है वो क्लोज आ गई है, नेड हाथ में है, और रोज़ी जो है वो किसी भी लम्हे, ओए अच्छा नेड था लेकिन बच गए, ये रश कर दिया है और डीसी रोजी को कर दिया है नॉक। एनओई ऑन द टॉप, एनओई
एनओई ने दूसरी जगह भी नौ रश कर दिया है, और ये अंदर घुसे अंदर घुसे अंदर घुसे, किसी भी लम्हे लड़ाई होने वाली है। मैं दूसरी फाइट्स भी दिखाता हूँ, मुझे यही डर था एंड में जो सारी फाइट्स एक साथ हो जाएंगी और दिखाने को सिर्फ एक ही बचेगी। ये आमना सामना जारा ओपी का और स्कार्डू, जारा ओपी ने उड़ा दिया और इस तरह से पूरा का पूरा क्लैन गया खलास। एसएम बाबा जिन्होंने अपनी अपने क्लैन मेंबर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी इनकी सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक चल रही है क्योंकि दोनों तरफ से जो है ना इनको फाइट मिल रही है, सैंडविच हो चुके हैं। पीएसबीसी एंग्री के नवाब क्या उड़े हैं, अल्लाह माफ़ करे क्या ही उड़े हैं, मज़ा ही आ गया। बोटो शामी डीसी निंजा इस टाइम स्नाइपिंग करते हुए, ओए हो कमाल हो गया, मज़े आ गए भाई आज तो। भाई मैं कह रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड है ना भाई, ग्रुप मैचेस में इस तरह का जो मैच है ना वो होना बहुत ज़रूरी है, इतनी फाइट तो लेनी बहुत ज़रूरी है भाई आपको। पीएस क्लैन ने फ़िलहाल एक बंदा उड़ा दिया है K4R का। मलिक साहब अन्य वाह जो है ना वो स्प्रे देते हुए, ओके फिलहाल स्क्वाड हाउस घुस चुके हैं, बचत हो गई है, लेकिन मलिक साहब को बहुत अच्छा स्प्रे मिल रहा है, बहुत दूर से मिल रहा है, जिसको डॉच करते हुए वो जा रहे हैं अपने टीममेट की तरफ। ओके आरके के उजैर ये सामने गीकी के एमटी को दिया और ये पूरा का पूरा खा गए। डिसरिस्पेक्ट छा गया लड़के, छा गया भाई तू छा गया मेरी जान, आज का दिन तेरा ही है, आज का दिन तेरा ही है मेरे प्रावा। बहुत आला यार गीकी वालों को उड़ा दिया है, के टीएनटी को नॉक कर दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ हाथ बचे हैं जिसको उनको भी नॉक कर दिया है, सिर्फ एक प्लेयर इनका बचा जो नॉक नहीं है और वो थोड़ा सा इनसे दूर है, और अभी गीकी के क्लैन जो है ना वो तो गया मुझे लगता है खलास। ये देखें आरके क्लैन जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, ये देखें ये बाकी का जो है ना वो उड़ाने के चक्कर में फ़िलहाल अपने टीममेट को नॉक ही छोड़ के आ गए उजैर भाई, क्योंकि यही बेहतर था। ये इन पर रश हुआ और आरके के उजैर किसी भी लम्हे ओके डिसरिस उड़ गए। ये देखें आखिरी सर्कल हमारा, ऑलमोस्ट आखिरी सेकंड लास्ट सर्कल, डिसरिस्पेक्ट क्या बात है लोंडे क्या बात है। ये इन पे भी अन्य वाह किस्म का स्प्रे हो रहा है, जाके देखते हैं बाकी की फाइट्स। पीएस क्लैन का हाओ के सामने के साथ आमने सामने है, हाओ जैन और हाओ किंग दो लोंडे हैं। मलिक डिक्रूज भी ऑफ हो चुके हैं, गीकी के लॉल्स ने जो कि अकेले बचे हैं अपने क्लैन में, उन्होंने मलिक साहब से तो बदला ले लिया थोड़ा सा। ये देखें पीएस वुल्फ जो है इन्होंने अभी के अभी हाओ वालों को डैमेज दिया और मेरा ख्याल उड़ा दिया। ओए होए 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 मज़े ही आ गए आज तो भाई, मज़े ही आ गए, आ गए स्वाद। ओए पीएस डीसी जेस्टर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा खुले में फायर दे रहे थे जिसका नुकसान उठाया उन्होंने और नॉक हो गए हैं। अभी लास्ट हमारी फाइट बची है और बहुत आला, 5 टीमें बची हैं, 14 लोग जिंदा हैं और मैं बयान नहीं कर सकता क्या सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है। डीसी बाबा चौड़े में आए हैं, देखते हैं क्या करेंगे। आरके के डिसरिस्पेक्ट ने इनको भी दिया, आर के उजैर सॉरी पी एस के रे जो है प्ले जोन से मर गए हैं। डी सी निंजा ने स्प्रे दिया है आर के को, भाई डिसरिस्पेक्ट क्या करता लड़के तू, आज छा गया लड़के बहुत आला। जितने भी लोंडे देख रहे हो भाई जाके सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाजिम सब्सक्राइब का बटन लाजिम दबाना है और भाई को सपोर्ट करनी है साथ साथ। आला हो गया आला, आरके क्लैन के 10 किल्स के साथ ऑन द टॉप, डीसी का 1 किल है अभी तक और एनओई के 4 किल हैं।
भाई किल ज़्यादा होना मैटर करता है, तो अपना किल काउंट ऊपर रखो, पोजीशन पॉइंट आपकी तभी ऊपर आएगी, पोजीशन पॉइंट तभी मिलेगा जब आपके किल ज़्यादा होंगे। डिसरिस्पेक्ट भाई, तेरी गेम देखने का मज़ा आ रहा है। डिसरिस्पेक्ट ये देखेंगे, ये इन्होंने रश किया, डीसी निंजा सामने, डीसी निंजा को दिया, ओए डिसरिस्पेक्ट को मिला नेट, डीसी बाबा को किया नॉक, हेल्थ नहीं है, हेल्थ की से मर जाएंगे, और वही हुआ, डिसरिस्पेक्ट हो गए नॉक। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का नो, पी के आर के और जैर के सामने आया, लेकिन आर के वालों ने चिकन डिनर मिस कर दिया, और डीसी वाले पोजीशन पॉइंट ले गए। पहले मैं आपको दिखाता हूँ डीसी वालों के लिए चिकन डिनर वीडियो, ये रही आपकी स्क्रीनों पे। अरे क्या बात है, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। डीसी निंजा, डीसी बाबा, डीसी एप्पल और डीसी डेस्ट्रो, भाई आला, चार किल के साथ चिकन डिनर। आरके वाले गेम प्ले लव बॉय, डिसरिस्पेक्ट और उजैर लव यू गाइस, बिग रिस्पेक्ट। सेकंड नंबर पे और एनओई तीसरे नंबर पे, बहुत आला गेम, एनओई वालों की भी बहुत आला। गिकी चौथे नंबर पे, पीएस वाले जो हैं वो आए हैं पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे हाउजेन, सातवें पे के फोर ई, आठवें पे बोटो, नवें पे एंग्री, दसवें पे एसएम, और ग्यारहवें पे डीसी, 12 नंबर पे है 512, 13 नंबर पे है एफडी, 14 नंबर पे एमबी, और आखिरी नंबर पे आए हैं मिस्टर मुफासा। सो ये है आज का रिज़ल्ट, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके, ताकि आपकी नज़र से गुजर जाए कि कितने किल हैं, क्या पोजीशन है, ताकि आप अगले अगले मैच में इससे बेहतर जो है ना वो गेम प्ले दिखाओ। सो गाइस लव यू गाइस, बहुत आला गेम, मज़ा आ गया। डिसरिस्पेक्ट स्पेशली, यू आर द स्टार टुडे ब्रो, बहुत मज़ा आया। अभी सेकंड जो मैच है वो इन 10 मिनट स्टार्ट हो जाएगा, तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक दे दें। गाइस सब्सक्राइब का बटन लाजिम दबाओ, सब्सक्राइब का बटन लाजिम दबाओ, और लाइक करते जाना स्ट्रीम को। और भाई बस आया थोड़ी देर में, आया, मज़ा आ रहा है ना, बस टेंशन नहीं लेनी, आया बस भाई थोड़ा। Thank you.
What we do here is go back, 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 back. Thank you.
वेलकम बैक गाइस, वापस आ गए हैं। मैच हो गया स्टार्ट, मैं मैच की तरफ आपको लेके जाता हूँ। ये चेक करें आप, रालो भी रेडी है, मीरामार में सेकंड मैच और सारी की सारी टीमें रेडी हैं। अभी प्लेयर्स पहले से ज़्यादा आए हैं। एंग्री का क्लैन पता नहीं क्यों पूरा नहीं, अच्छा पूरा है। गाइस अभी भी मुझे मैसेज आया है एक बंदे का, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट ब्रो आई एम सो सॉरी, टाइम का जो है हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सो प्लीज़ गाइस टाइम पर आया करो, ताकि आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ना हो, कुछ हमें कहने की ज़रूरत ना हो, हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना हो। टाइम पे आया करो, नहीं तो आप बाहर रह जाओगे। और आई थिंक वो रीज़न नहीं बननी चाहिए आपके सिलेक्ट ना होने की, राइट? सो इतना मुश्किल नहीं है यार टाइम पर आना। हेलो जी, लेट्स सी क्या होता है यार। मीरामार में जो लड़ाई है ना लास्ट की, वो बड़ी ओपी होती है, बहुत आला किस्म की लड़ाई होती है और मज़ा आ जाता है एक दफ़ा। अब देखते हैं कि क्या बनता है। लो जी, दो क्लैन उतर गए हैं, तीन क्लैन उतर गए हैं हमारे ट्रेलर पार्क की तरफ।
और MBX नोमान, MBX जो है सर बड़ा मज़े का मैच होने वाला है, ये मैं आपको बता दूँ। बने रहो YouTube पे, जितना हो सके इंगेजमेंट होनी चाहिए हमारी, लोगों के साथ शेयर किया करो स्ट्रीम और बताया करो कि मैच चल रहा है ताकि लोगों को पता हो। उतरते साथ ही लड़ाई इधर हो सकती है, और किधर चांसेस हैं ये देखें, ये भी है, साथ साथ चल रहे हैं, 7 और 5। ये देखें RS वाले भी साथ साथ ही चल रहे हैं, ये PS वाले भी साथ साथ चल रहे हैं, मतलब सबके पास कोई ना कोई है। एंग्री वाले थोड़े से दूर हैं, इनकी अभी मुझे लग रहा है कि फाइट जल्दी स्टार्ट होगी, वो होगी DC वालों की। डिसरिस्पेक्टफुली सारे के सारे डिसरिस्पेक्टफुली सब्सक्राइब का बटन दबाते रहो, समझ रहे हो। 25 नंबर RS गणेश ने पकड़ ली हैं, रेडी बैठे हुए लड़के फाइट लेने के लिए, और मिस्टर के जो हैं, मिस्टर क्लैन जो है वो भी उधर ही मौजूद है सेम एरिया में। लेट्स सी क्या होता है। अरे वाह, लड़को छा गए हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि मिस्ट वाले क्यों नहीं खेले आज, आज मिस्ट वालों को आना चाहिए था। आई थिंक निकल ही गए हैं वो लोग टूर्नामेंट से, जो भी रीज़न रही। गाइस यू आर ऑसम, यू आर अमेजिंग, हो सके तो अगले मैच से आ जाओ, अभी भी चांस है। ओए होए, अब उतरे लौंडे, बड़ा ख़तरनाक उतरे लौंडे। लो जी MBX नोमान जो है वो ताड़ रहे हैं कि कहाँ से गन फाइट आ रही है और वहाँ से जाकर। ओए मेरे खुदा, DC स्क्वाड साकी और DC ने MB गोकू को जो है वो नॉक कर दिया है। ये जाके देखते हैं, यहाँ पे गोकू भाई जो है वो नॉक हैं, इनकी लड़ाई हुई है भागने भगाने पे और गाड़ी को उतर दिया है डैमेज। ये चेक करें, ये चेक करें, DC एप्पल जो है छाया हुआ है, लड़का छाया हुआ। एक और नॉक, एक और नॉक, MBX के नोमान जो हैं उनको भी नॉक कर दिया है। ये देखें बहुत आला, MBX के नोमान को पूरा खा गए। MBX क्लैन खतरे में है और MBX के स्मोकर बचे हैं और हैरी हरी हरी हैरी बचे हैं। देखते हैं अब ये दोनों लौंडे अपने आप को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है। ओह होए होए होए, जो DC के डेस्ट्रो हैं उन्होंने फ्लैंक करके आए हैं लेफ्ट से और उड़ा दिया। उन्होंने कहा कहानी मुकाओ क्या, जब से कड़कड़ कड़कड़ लगाई हुई है। गुड, अच्छी थिंकिंग है आपकी, कहानी मुकानी चाहिए, ज़रूरी है। अभी जाके देखते हैं 25 नंबर, इनके सामने मिस्टर क्लैन आ सकता है, थोड़ा दूर है अभी और चांसेस हैं कि फाइट हो सकती है। 5-12, 5-12 FD, RK को बिल्कुल दिखाते हैं। RK वालों की फाइट मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरा ख्याल है RK वालों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं लड़ाई से। ग्यारह और 5-12 आ गए हैं आमने सामने। लो जी लड़ाई होगी शुरू, मैं आपको दिखाता हूँ कि सिचुएशन क्या है। ये देखें 2 vs 2 चल रहा है यहाँ पे, 5-12 और सामने है वाइपर और ब्लैक बुल FD के, और 2 vs 2 पीछे FD की सपोर्ट है और 5-12 की सपोर्ट नहीं है। 5-12 के बाकी के टीममेट किधर हैं, एक मिनट देखते हैं जाके। इनके एक टीममेट जो हैं वो कहीं ब्लैक ज़ीरो, ये देखें वो यहाँ पे अपनी हेल्थ पूरी कर रहे हैं। 25 और 7 आमने सामने,
मिस्टर क्लैन और आरएस क्लैन। मिस्टर क्लैन जो है वो हमारा पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छा खेला था इन्होंने और लास्ट में क्वालिफाई भी कर लिया था। अभी आज इनकी गेम थोड़ी ठंडी जा रही है बट मुकाबला भी बहुत टफ है। देखा जाए कि सारे के सारे क्लैन बहुत ही टफ आए हुए हैं और बहुत ही आला आए हुए हैं। ओके, मिस्टर डार्क को दिया स्प्रे और मिस्टर डार्क की हेल्थ है ज़ीरो, एक गोली पे नॉक हो जाएंगे और मुफस्सा को कर दिया नॉक आरएस रॉबिन ने। बहुत आला गेम प्ले यार, ये दिया नेट और बाकी बची कुछ ही मुफस्सा साहब की। मेरा ख्याल है कि जो हेल्थ है वो ख़त्म हो जाएगी। मिस्टर वासिफ ओए होए 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 ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं आर एस आइस इनका एक क्लैन मेंबर नॉक है और साथ वाले रूम में हैं बिल्कुल। अभी जाके रश करेंगे वेगीटा। आर एस क्लैन जो है वो बड़ा ही एक फेमस क्लैन है पाकिस्तान का, बहुत आला किस्म की इनकी जो है वो अप्रोच है फाइट लेने की और बहुत अच्छा गेम प्ले है। 512 के मलिक ने एफडी विचर को कर दिया है नॉक। एफडी विचर के जो टीममेट्स हैं उन्होंने इनको बैकफायर दिया और 5D मलिक जो है वो अपनी फ़िलहाल हेल्थ बचाते हुए जो है वो आ गए हैं सेफ पॉइंट पे। एफटी वाइपर K4E सेंटिकेट, वारे वाह क्या नाम रखा है लड़के ने, छा गया लड़के लौंडे क्या बात है तेरी। 25 नंबर आरएस अभी फाइट लेके हंसे हैं, हटे हैं सॉरी। बाकी क्लाइंट्स की सिचुएशन देखते हैं, इधर सिचुएशन जो है वो टाइट है एफडी की। ये बहुत दूर से जो है वो स्प्रे देने की कोशिश है टैप 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 मिनी से बट विचर बच चुके हैं और अपनी जो है इन्होंने हेल्थ रिवाइव कर लिया। एंग्री एंग्री रवान बादशाह नवाब और सुल्तान रे सुल्तान। एंग्री वाले सेफ हैं फ़िलहाल, कोई आसपास नहीं। एनओई एनओई का सामना होने वाला एसएम वालों से। गाड़ी पे आए हैं डीसी। ओके, ये आमना सामना हो गया है एंग्री का और डीसी का, सॉरी डीसी का और एसएम का। डीसी के स्कॉर्पियन, डीसी के रोजी, कोशिश इनकी पूरी है किसी तरीके से जो है वो एक किल मिल जाए। एक किल मिल जाएगा तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। स्प्रे आया डीसी रोजी जो है वो सिचुएशन वो अच्छी पोजीशन पे संभव नहीं है क्योंकि गाड़ी फटी तो कहानी हो सकती है, लेकिन एसएम वाले जो हैं वो सेफ खेलने की कोशिश में। टैप 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 स्कॉर्पियन को लगे अच्छा खासा डैमेज दिया, दो तीन गोलियां और, लेकिन बहुत आला M24 का एक ही शॉट और नॉक कर दिया। ओके, डीसी रोजी रिच के पीछे बैठे हुए हैं, बाकी फाइट्स भी देखते हैं। 25 की फाइट चल रही है इस टाइम 15 नंबर से K4E। बाल बाल बचे आरएस वालों के सामने और ये हो गए नॉक।
इधर भी फाइट चल रही है, आर के डिसरिस्पेक्ट, भूटो को दिया अच्छा स्प्रे, इनके सामने पूरा क्लैन है, भूटो क्लैन पूरा का पूरा इस टाइम, ओके डिसरिस्पेक्ट हो गए, डिसरिस्पेक्टफुली नॉक हमारे लास्ट मैच के स्टार जो है वो फाइटर इस टाइम नॉक पड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है पूरे के पूरे क्लैन को सर्कल के अंदर। जाके दूसरी तरफ देखते हैं आरएस वालों ने एक और क्लैन का कर दिया है सत्यानाश, और वो उनका नाम था K4E। बचे हुए जो एक बंदा था उसको भी उड़ा दिया, और अभी हम जाके देखते हैं सिचुएशन 512 की, जिनकी फाइट सर्कल में चल रही है, और ये आप देख सकते हैं कि FD और 512 आमने सामने सुबह से बैठे हुए, शाम हो गई है, सर्कल आ गया, सर्कल आगे निकल गया, ये लोग अभी तक फाइट ले रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये निकल भी गए तो बाकी की जो फाइट है वो सर्कल में पूरी हो जाएगी। FD के वाइपर ने 512 मलिक को कर दिया है ऑफ। ये वाली फाइट देखते हैं जाके, आर के उजैर और सामने हैं 6 नंबर, बोटो शामी को दिया अच्छा स्प्रे और नॉक कर दिया। बोटो वाली दूसरी तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, फ्लैंक करके आने की कोशिश है उनकी, अगर तो वो फ्लैंक कर गए तो कहानी हो जाएगी ऑफ। आरके के डिसरिस्पेक्ट गए हैं और डिसरिस्पेक्टफुली उन्होंने पैन से पूरा का पूरा क्लैन उड़ाया है, और मार्क्स नहीं दिए। SM के सामने है हमारे NOE और DC। DC और SM का मुकाबला बड़ा टफ होगा। इधर FD और 512 जो हैं अभी तक क्लैन जो है इनका सर्कल में फंसा हुआ है। आई थिंक अभी इट्स हाई टाइम इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड सर्कल स्टार्ट होने में कुछ ही पल बचा है, और उसके बाद फिर इनका निकलना इनके लिए बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा अनटिल दे रीच टू द सेफ प्लेस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्लैन जो हैं वो आ चुके होंगे सर्कल में। DC, NOE, सब के सब इस टाइम जो है वो सर्कल में पहुंच रहे हैं। TPH के ये SM के जो हैं हमारे DC जैजी को मराया है इन्होंने, किधर है भाई ये DC जैजी, DC क्लैन है किधर, ये देखिए DC साकी, DC का क्लैन नहीं है, जैजी किधर के थे, हाओ के थे, किधर के थे, आर के क्लैन संभव बचे, डिसरिस्पेक्ट जो है वो नॉक हो गए थे लेकिन रिवाइव हो गए। FD के विचर ने बाकी का जो बचा कुचा एक बंदा बचा था उसको उड़ा दिया, और अब ये सर्कल से निकलने की उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से सर्कल से निकल के सेफ जोन में पहुंचा जाए, और PS क्लैन ऑलरेडी जो है वो सेफ जोन में है। इधर लड़ाई चल रही है, DC के दो क्लैन है, ये देखें DC जैजी, DC ने पूरा का पूरा क्लैन उड़ा दिया है SM का, DC के दो क्लैन है, NOE शाजेब, ओके जी RS की दोबारा से हो गई है फाइट शुरू, और जाके देखते हैं आरएस वगेटा ने एक और बंदा कीकी का उड़ा दिया है, बाकी का क्लैन जो है इनका इधर छुप के बैठा है, जिसको RS फायर जो है, ओ माय गॉड, FP
ये दिया परफेक्ट नोड आर्स वगैटा ने, और अब ऊपर जाएंगे रश करेंगे। ओ बहुत आला, बहुत आला। आर आइस को कर दिया नॉक, लेकिन बदला ले लिया है बाकी के क्लैन मेंबर्स ने, और एक और क्लैन उन्होंने सक्सेसफुली उड़ा दिया है। एनओई गाइस, जितने भी लोंडे देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब का बटन नपते रहो नपते रहो नपते रहो, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है। पोटो अकेले जो है वो अपने क्लैन मेंबर बचे हैं। अली आर के को बिल्कुल दिखा सकते हैं हम लोग, आर के को दिखाते हैं। गाइस जितने भी लोंडे हैं जो मर चुके हैं और स्ट्रीम देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलना, और स्ट्रीम को साथ साथ लाइक करते रहना, और हो सके तो शेयर भी कर दें ताकि आपका जो गेम प्ले है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। एफडी के ब्लैक देखा प्ले जोन से मर गए हैं। एफडी की जो टीम है वो मुझे नहीं लगता कि किस तरह से आएगी वापस अपने उसमें, मुझे नहीं पता चल रहा ये किस तरह से मैनेज करेंगे आने के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट फाइट की तैयारियाँ चल रही हैं, और एफडी का जो क्लैन है वो अभी तक ब्लू जोन में फंसा हुआ है। ये देखें जी, एंग्री पीएस डिसरिस्पेक्ट ओपी है जी, सच में ओपी है। डीसी M24 गाड़ी फाड़ दी इन्होंने आरके के डिसरिस्पेक्ट ने, लेकिन उसमें था कोई नहीं। डीसी जैजी एफडी वाइपर भी प्ले जोन से मर चुके हैं। एफडी का पूरा क्लैन जो है वो प्ले जोन की नजर हो चुका है ऑलमोस्ट। पीएस और एंग्री वाले भी जोन से निकल के सर्कल में आ रहे हैं। गाइस अपनी अपने अपने मोबाइल टीवी पैड जिस चीज़ पे लैपटॉप जिस चीज़ पे भी स्ट्रीम देख रहे हो गाइस, स्ट्रीम को शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब का बटन लाजिम दबाते रहना। एफडी वाइपर भी गए इस प्ले जोन से। आरएस वाले ओके, आमना सामना एनओई शहरयार का और आरएस फायर आइस का। आरएस के आइस जो हैं वो हो गए हैं नॉक। एनओई शहीर जो है वो अब इनको पूरा खाएंगे या आधे में छोड़ देंगे, फिलहाल डिपेंड करता है बाकी के क्लैन पे। आरएस का जो बाकी का क्लैन है वो पीछे मौजूद है। आरएस फायर जो है उन्होंने स्मोक दिया, वगैटा जो है वो फ्लैंक करके आ रहे हैं और स्प्रे दे रहे हैं एनओई पे ताकि अपने प्लेयर को बचाया जाए किसी तरीके से। उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, प्लेयर का कम होना मतलब के नुकसान, और आरएस आइस चल बसे अब वो हम में नहीं रहे। आरएस आइस हम में अब नहीं रहे, वो चल बसे हैं, और बस अब देखते हैं अगली गेम में वापस आएंगे अगले जन्म में, और अगले जन्म में क्या करते हैं देखते हैं। ये चार जन्मों की फाइट है, ये एक जन्म में ख़त्म नहीं होगी, चार जन्मों में। एनओई शाहजेब डीसी वाले भी यहाँ पे, ये प्ले ये जो हमारा इस टाइम एरिया है ये पूरा का पूरा वॉर जोन बन चुका है। आरएस क्लैन, एनओई क्लैन, डीसी क्लैन, और ऊपर देखें डीसी का दूसरा क्लैन, सब के सब इधर ही आ गए हैं, और एनओई की और आरएस की हो गई है आमने सामने वाली लड़ाई। हाउ का हाउ की फाइट भी चल रही है, इनको भी देखते हैं। पीएस इनके सामने हैं, नेट नेट मिल रहे हैं, पीएस वुल्फ रीपर और जेस्टर। ये जी
जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये सर्कल के बाहर बिल्कुल एच पे बैठ कर इनको दे रहे हैं। हाउ जैन जो है वो फ्लैंक करके जा रहे हैं, ये फ्लैंक करना इनको भारी भी पड़ सकता है। बी केयरफुल ब्रो, 1 2 3 और बहुत आला। टी एस वुल्फ ने इनको अच्छा खासा डैमेज दिया और नुकसान उठाया। किसी एक को इनको टारगेट करना चाहिए था ताकि कोई एक बंदा ये उनके ले जाते तो बाकी के बंदे बच जाते, लेकिन नॉक होना काफ़ी नुकसान का सबब बनता है। देखें टैप टैप दे रहे हैं पी एस रीपर को, जाके देखते हैं आरएस की फाइट। आरएस वाले जो है वो बहुत ही क्लोज फाइट पे ये दिया, बहुत आला। आरएस फायर ऑन फायर, ही इज ऑन फायर ब्रो, पूरा का पूरा खाया। ये आरएस का स्टाइल है, नॉक नहीं छोड़ते, पूरा उड़ाना है। बहुत ही आला आरएस फायर। एक बंदा नॉक है, इनको ने अभी 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 किया है हमारे सामने ही, जो टॉप पर एक बंदे को नॉक किया है। सीढ़ियाँ किधर है भाई इसकी? ओके, माज और शाहजेब जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं। बोटो के अली जो हैं वो गाड़ी में आ रहे हैं आर के, और इधर जाके देखते हैं डीसी वालों की भी लड़ाई चल रही है। बोटो अली को दिया इन्होंने स्प्रे, और पीछे से डीके डिसरिस्पेक्ट भी आ गए हैं। डीके डिसरिस्पेक्ट ने नुकसान उठाया, फिलहाल गलत जगह गलत टाइम गलत जगह आ गए, थर्ड पार्टी कर दिया, लेकिन एक किल मिल गया इनको। अब इनका वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए डीके का पूरा क्लैन जो है वो लपेट में आ गया है डीसी की। पोजीशन डिस्क्लोज है, पता चल जाएगा, वहाँ से निकलना मुश्किल है। पीएस के तीन बंदे, दो बंदे जो हैं वो नॉक हैं, जिसको रिवाइव दिया जा रहा है। हाउ हाउ क्लैन भी बहुत अच्छा खेला आज। हाउ डेयर यू, हाउ किंग, हाउ डिफॉल्ट और हाउ जैन। ओके, आर के डिसरिस्पेक्ट, निकलने की कोशिश, स्ट्रेटजी देखते हैं ना क्या, किस बेस पे ये जो है वो। बहुत आला डीसी नाइट, यहाँ पे जो फाइट चल रही है ना आरएस की, डीसी के दो क्लैन है, दोनों आमने सामने आ गए तो मज़ा ही आ जाएगा। आरके उजैर, आरके क्लैन ने वहाँ से निकलना बेहतर समझा। फिलहाल इस गाड़ी में ये इतना कर सकते हैं कि सेफ पोजीशन तक पहुंच जाए। अच्छा स्प्रे मिल रहा है डीसी साकी को, आरके क्लैन का निकलना मुमकिन नहीं लग रहा, चारों तरफ से इनको स्प्रे दिया जा रहा है। हाउ क्लैन भी इस टाइम बहुत गर्म चल रहा है। हाउ क्लैन के सामने डीसी के आखिरी बंदे हैं, इनको अगर इन्होंने ले लिया तो पूरा का पूरा क्लैन खलास। डीसी का एक क्लैन पूरा उड़ा दिया है हाओ वालों ने, बहुत आला गेम प्ले। अभी जाके देखते हैं हाओ का दूसरा क्लैन, सॉरी डीसी का दूसरा क्लैन जो है वो भी ख़तरे में है। डीसी स्कॉर्पियो और डीसी नाइट, इनकी हेल्थ जो है मलिक डिक्रूज ने दिया, अच्छा स्प्रे और गाड़ी उड़ा दी है। अभी भागने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हाउ जैन, हाउ किंग, हाउ डिफॉल्टर, मलिक डिक्रूज, अच्छा स्प्रे और डीसी का दूसरा क्लैन भी उड़ गया। इस टाइम हमारे पास हाओ बचा है और दो टीमें बची हैं, हाओ और एज यूजल आरके। आरके क्लैन के सिर्फ मलिक साहब बचे हैं जिन्होंने अनिवार्य, और हाओ जैन को दिया अच्छा और नॉक कर दिया। हाओ किंग आए भागते हुए, लेकिन नहीं,
क्या फाइट हुई है, बहुत आला गाइस, बहुत आला फाइट, मज़ा आ गया। हाओ क्लैन ने किया है चिकन डिनर और उनके लिए सबसे पहले चिकन डिनर वीडियो ये रही आपकी स्क्रीन। रिजल्ट्स बताने हैं लेकिन फायर की आवाज़ आ रही है। खैर, हाओ किंग पहले नंबर पे जिन्होंने किए हैं 7 किल, मलिक डिक्रूज 5 किल जिन जो हैं आर के क्लैन के, और डीसी क्लैन है तीसरे नंबर पे 6 किल, और एनओई के हैं चौथा नंबर, डीसी का 5वां, छठा पीएस, 7वां आरएस, 8वां एंग्री, 9वां बोटो, 10वां एफडी, 11वां और एसएम क्लैन 12वें नंबर पे, 13वें पे 512, 14वें नंबर पे K4E, 15 पे मिस्टर, 16 पे MBX। ये है हमारा लास्ट रिजल्ट ऑफ दिस मैच। अभी हम आपको लेके जाएंगे अपने तीसरे मैच की तरफ जो कि हमारा सेकंड लास्ट मैच है। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से इल्तिजा है कि गाइस जो स्ट्रीम है उसको लाइक ज़रूर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो है हमारी फैमिली जो है हमारे व्यूवर्स की वो बढ़ती रहे, ताकि आपको भी मज़ा आए। लव हो गया गाइस, मज़ा आ गया। अभी मिलता हूँ आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक कहीं ना जाइएगा, रहना है और स्ट्रीम को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अभी होगा हमारा तीसरा मैच सनहॉक में। आई विल बी राइट बैक। Thank you.
What we do here is go back, 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 back. We'll be right back.
हाँ जी गाइस, कैसे हैं सब? लो जी, सीन ऐसा है कि 50 सेकंड्स रह गए हैं और रूम फुल है ऑलमोस्ट, और बड़ा मैं कह रहा हूँ मज़ा ही आ रहा है आज, मज़ा ही आ रहा है आज। आर के क्लैन वाले छा गए भाई, आर के जो है ना वो छा गए। पॉइंट पांच जी स्ट्रीम में मैंने डिले डाल दिया है, पहले भी था, थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। अभी इंशाल्लाह स्ट्रीम स्नैपिंग नहीं होगी। और लोंडो, जेस्टर गेमिंग, वुल्फ गेमिंग, अहमद हमज़ा, जितने लोंडे भी अभी देख रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, स्ट्रीम देख रहे हो गाइस, स्ट्रीम को मैच स्टार्ट हो चुका है और अब हम मैच में जाएंगे और लेट्स सी कौन क्या करता है, कितने किल मारता है। तीसरा मैच है, सनहॉक है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है सनोक, मज़ा आता है। लो जी, सिचुएशन ये है कि अभी फ़िलहाल जो है आरके वाले, उनके किल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे चल रहे हैं। अभी देखते हैं कि सनहॉक में क्या होने वाला है, सनहॉक में कितनी कुतबाइयाँ फिरने वाली हैं। हर मैप का अपना अपना हिसाब होता है भाई, हर मैप का अपना अपना प्लेयर होता है। मैंने जहाँ तक देखा, कुछ लोग मीरामार में बहुत अच्छा खेलते हैं, वे कैंडी में बहुत अच्छा खेलते हैं, रैंगल में बहुत अच्छा खेलते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है बूट कैंप में आज। FT एजाज DC कुछ लोगों ने जाना ही बूट कैंप है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बूट कैंप ही जाना है। और उनमें से एक हैं ये हमारे कुछ लोग, जिनको आप देख सकते हैं कि बूट कैंप में क्या हालात चल रहे हैं। DC जैजी जो है ना, मेरा ख्याल उड़ा देंगे MBX के नवान को। और ये सामने था इनके, DC नाइट ने देखा नहीं। और ये देखें, ये हुआ आमना सामना और DC नाइट को उड़ा दिया। DC जैजी आएंगे इनका बदला लेने, और मुझे लगता है यहाँ पे भी कहानी जो है वो ऐसी ही होगी। मिस्टर नोमान, क्या बात है MB के नोमान, क्या बचे हो भाई, चुपचाप बचे हो तुम। बोटो ओके जी, आर के उजैर, आर के क्लैन जो है, इनके सामने भी एक क्लैन है जिनसे फाइट इनकी किसी भी लम्हे हो सकती है, और वो है एंग्री।
एंग्री क्लैन भी इधर ही है। आर के उजैर को दिखा रहा हूँ मेरी जान, आर के उजैर से दिखा रहा हूँ सब दुनिया में। ये देखें ये खड़ा हुआ है चीता, ये चेक करें, ये रहे आर के उजैर भाई, ये देखें ये खड़े हुए, चेक कर रहे हैं आप आर के उजैर, वैसे चिकनी है आर के उजैर, चेक कराओ उधर हर तरफ से, हाँ फिट है लड़की, आहो। सो आर के एंग्री रवान, एंग्री क्लैन तुम लोगों को भी कुछ हो गया मुझे लगता है। वापस चलते हैं बूट कैंप में, देखते हैं बूट कैंप के क्या मंजर हैं, क्या मंजरात हैं। मिस्टर वासिफ, एमबी, डीसी, ओके जी, अरे लव है जी लव है, डीई उमर आ गए हो मेरे भैया, कैसे हो तुम, बी रेडी, कब है आपका मैच, कल है परसों है, कौन से ग्रुप में हो तुम। एम बी स्मोकर को अच्छा खासा जो इन्होंने स्प्रे दिया और आई थिंक नॉक नहीं हुए, लेकिन हेल्थ वाइज जो है डैमेज अच्छा था। डीसी जैजी और इधर से जाके देखते हैं स्कॉर्पियन, यहाँ से एमबी का पूरा क्लैन, डीसी जैजी को दिया नेड लेकिन बच गए। मिस्टर के जो हैं ये वासिफ इधर भी हैं, अरे यार नहीं करो यार, नहीं करो यार, नहीं करो यार, ओ हो, आर के उजैर और आर के क्लैन को बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया एंग्री वालों ने। अच्छी इनकी फाइट हुई है जो हमने मिस कर दी है। आर के एंग्री रवान के सामने मलिक डक्रूज, मलिक डक्रूज मच्छी खाई हुई है लड़के ने भाई, लड़का किसी को हिलने भी नहीं दे रहा है। और अभी किसी भी तरह करके इनको अपनी हेल्थ पूरी करनी थी लेकिन हेल्थ पूरी करने नहीं दी गई और पूरा का पूरा क्लैन उड़ गया है एंग्री का। देखें आप जिस समय देख सकते हैं कि आरके वाले ही रह गए हैं सिर्फ कंपाउंड में। अभी जाते हैं, ओहो हो एम बी एक्स ने उड़ा दिया है डीसी जैजी को। और भाई बूट कैंप में जो फाइट चल रही है ना वो तबाही है, तबाही चल रहा, तबाही चल रहा, आमना सामना बोटो का। मिस्टर मुसफ मुफस्सा पे दिया स्प्रे एमबीएक्स का, एमबीएक्स वाले मुझे लगता है कि वापस से जो है वो रश करेंगे और डीसी के जो दो लौंडे हैं जो बच गए हैं वो दोनों अभी फ़िलहाल सेफ पोजीशन से बैठे हैं। ज़मीर हुसैन यू कैन नॉट ब्रो राइट नाउ, ये पता चल गया है कि टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट अभी ग्रुप स्टेजेस पे आ गया है इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन, बट यू कैन वॉच इट एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी, दैट यू कैन डू ब्रो। आरएस, आरएस क्लैन भी यहीं पे मौजूद है, फिलहाल टीम किल जीरो है लेकिन आई थिंक बल्कि आई नो दैट के बूट कैंप इनका फेवरेट एरिया। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला बोटो, बोटो का और एमबीएक्स का आमना सामना और ये स्प्रे दिया लेकिन नॉक हो गए बोटो शामी और पूरा का पूरा खाएंगे मुझे लगता है, छोड़ेंगे नहीं। आरएस वाले आ गए, आरएस वालों ने किया थर्ड पार्टी और आप जिस तरह देख सकते हैं आरएस वालों ने थर्ड पार्टी करके और एमबीएक्स के पूरे क्लैन को डैमेज कर दिया है। आरएस वगैटा गए अंदर और वन बाय वन सबको कर दिया नॉक लेकिन नहीं, आरएस के वगैटा का पूरा खाना चाहेंगे और बचा लिया आरएस फायर ने वगैटा को, बहुत ही लास्ट मोमेंट पे बचाए गए हैं नहीं तो एल लग गए थे। अभी दो टीमें बची हैं, डी उमर आप कौन से वाले ग्रुप में ऐड हो मुझे बस ग्रुप नंबर बता दो,
जितने भी लौंडे ग्रुप्स में ऐड थे व्हाट्सएप के, वो ग्रुप छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि मैं उन ग्रुप्स में अपडेट्स डालता रहूँगा, आप लोगों से कांटेक्ट में रहूँगा। वैसे भी मैं हर हफ्ते स्ट्रीम करता हूँ फॉर द कस्टम रूम्स एंड एवरीथिंग, सो आप लोग वहाँ पे आके तो खेल ही सकते हो मेरे साथ। सो ये टूर्नामेंट नहीं हुआ तो क्या हो गया यार, बड़ी ज़िंदगी पड़ी है मेरी जान, बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारी गेमें खेलेंगे। मलिक साहब क्या बात है आपकी, एस एम बाबा और सामने है के फोर ई, एस एम क्लैन और के फोर ई आमने सामने, टी टी पी ले रहे हैं के फोर ई के डेवल, और सामने पूरा क्लैन बैठा है पत्थर के पीछे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहाँ पे अपना नंबर ड्रॉप कर दो और अपने क्लैन का नाम लिख देना, मैं आपको ऐड कर लूँगा ग्रुप में, ठीक है। मिस्टर मिस्टर वालों की फाइट जाके देखते हैं, मिस्टर आर एस वगेटा जो है वो, मिस्टर मुफस्सा सिर्फ बचे हैं, ये चेक करें। आरके वालों को जाके देखते हैं, आरके वाले फाइट नहीं ले रहे, आरके वाले थोड़ा सा सेफ खेल रहे हैं फिलहाल, फॉर नाउ उनके लिए यही बेहतर है। डीसी रोजी अभी भी चार क्लैन पड़े हैं इधर बूट कैंप में। बहुत आला हमजा ओपी, नेट आया 1 2 और 3। क्यों देख रहे हो भाई नेट को, नेट को क्यों देख रहे हो मेरी जान, भागने का था ना वहाँ से, वहाँ से भागना चाहिए था आपको। 512 के हमजा और मोइस बचे हैं, और आरएस का पूरा क्लैन सामने है, और ये दिया नेट, देखिए कहाँ से दिखाया मैंने आपको, और नेट दिया और नेट से ही बाकी का क्लैन भी गया ऑफ। आरएस क्लैन सामने है और दूसरी तरफ है मिस्टर क्लैन, और डीसी के दो लोंडे लेटे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा इनको मौका मिले, या तो ये थर्ड पार्टी करें या फिर यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि उनके दो क्लैन जो है वो उड़ चुके हैं, सो बाकी के वो जो है दो सॉरी मेंबर उड़ चुके हैं, तो बाकी के वो बचा के सर्वाइवल पोजीशन पे पोजीशन पॉइंट अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि पोजीशन पॉइंट मैटर करता है। सो गाइस मैं मेरा जो इंस्टाग्राम है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसी इसी जो स्ट्रीम है इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ROSM RSDC लो जी, आर के उजैर, ये हैं आर के जनीलो जलीलो, आर के जनीलो जलीलो। आरएस वाले कहीं ना कहीं इनको खनकी भी है कि यहाँ पे अभी भी लोग मौजूद हैं, सो समहाउ वो पूरा का पूरा बूट कैंप जो है ना वो कॉन्कर करके ही जाना चाहते हैं। मिस्टर मुफस्सा है इधर, मिस्टर क्लैन भी है, और ये मैं आपको बता दूं कि सामना आमना आरएस के आइस को पूरा का पूरा खाने की कोशिश ले, और आरएस सना को भी नॉक कर दिया। ओ माय गॉड, मिस्टर क्लैन आरएस का पूरा क्लैन खा गया, कैन यू बिलीव दैट। बहुत आला गेम, बहुत ही आला गेम। अभी जाके देखते हैं दूसरे क्लैंस को, यहाँ पे फाइट चल रही है, FD Blackpool DC वाले, ये देखें DC वालों की ही फाइट होगी अभी, मिस्टर से 2 vs 2 का मुकाबला है। मिस्टर वाले थोड़े से इस टाइम वीक पोजीशन में, क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो पूरी नहीं है, ऊपर से सर्कल में है। वाह रे वाह, कब तक बैठोगे गाइस, कब तक बैठोगे, निकलना तो पड़ेगा। FD
PS, RK, SM, Geeky और DC. DC client, DC people, DC destroy, DC apple और DC baba. सब के सब जा रहे हैं सेफ जोन में, लेकिन ये दो टीमें जो हैं इन्होंने अपना बेड़ा गरक कर लिया यहाँ पे बैठ बैठ के. और मुझे लगता है कि इनका बेड़ा गरक ही रहेगा, क्योंकि गाड़ी गाड़ी मिलना सनहोक में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, एफडी की लड़ाई हो चुकी है, जाके देखते हैं एफडी और हाउ आमने सामने. एफडी एजाज, ओके ये स्प्रे दिया, लेकिन क्या बचे, लास्ट मूवमेंट बैक ऑफ किया, लेकिन पीछे से डीसी वालों ने भी थर्ड पार्टी कर दिया. आपको मैं पोजीशंस दिखाता हूँ, ये देखें ये पोजीशंस हैं डीसी रोजी की तरह. ये डीसी बाबा ने एफडी का पूरा क्लैन ताड़ा हुआ है और वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. ये देखें एफडी वालों की ये सिचुएशन है, सब के सब आमने सामने हैं, सर्कल के थोड़े नज़दीक हैं. ये देखें ये हाउ क्लैन है जिन्होंने लास्ट टाइम चिकन डिनर किया है, इस दफ़ा भी टॉप 10 में आ चुके हैं, नौ टीमें जिंदा हैं. और देखते हैं कि अभी बाकी क्या करते हैं. K4E बहुत आला स्प्रे आर के जलीलो का, और जलीलो कर दिया इन्होंने, जलीलो ही कर दिया है, और ये कर दिया नॉक कर दिया है जी, जीनो ने नॉक कर दिया. बहुत आला गेम प्ले भाई, हाओ वाले भी अच्छा गेम प्ले करते हैं भाई. जैन इनके जो है वो नॉक है. ये देखें एफडी वाइपर को इन्होंने ताड़ लिया और एफडी वाइपर को भी कर दिया है नॉक. हाओ वाले अचानक से सामने आए हैं और बहुत आला गेम प्ले दे रहे हैं. हाओ जैन को नॉक किया हुआ है, जिसको बचाने के लिए हाओ डेर यू जा रहे हैं. और एफडी के सिर्फ एफडी ब्लैक बुल बचे हैं जो डीसी के साथ फाइट ले रहे हैं, और उस तरफ से हाओ वालों ने उनका पूरा का पूरा क्लैन उड़ा दिया है. कीकी का और एसएम का आमना सामना. और ये देखें मलिक टक्रूज सर्कल की नज़र हो गए. यार ये काम देखें कितना गंदा होता है ना, आप लोगों को सर्कल का ख्याल रखना चाहिए. और ये देखें एसएम बाबा ने मलिक डकरूज को उड़ा दिया. अभी हमारे पास लास्ट कुछ जो है वो क्लैन बचे हैं. एसएम रेबल ताड़ के बैठे हुए हैं ब्रिज को. रेबल बहुत आला एसएम बाबा, एसएम अमीगो, एसएम क्लैन भी एकदम से ऊपर आया. ये देखें उनके जो रेबल है इन्होंने पूरा का पूरा उड़ाया अभी. ये देखें K4E के जो लास्ट बंदे थे उनको उड़ा दिया है. अब ये देखें आर के क्लैन ने फाइनली फाइट ली है, अपनी फर्स्ट फाइट, और अभी तक इनके टीम किल 4 हो चुके हैं. हाओ के क्लैन को इन्होंने अच्छा खासा डैमेज दिया हुआ है, जो पानी में फ़िलहाल छुपे हुए हैं, जिसका नुकसान ये उठाएंगे डेफिनेटली. हाओ क्लैन मुझे उड़ती हुई नज़र आ रही है फ़िलहाल. ये नुकसान उठा सकते हैं डीसी एप्पल ने अगर इनको देख लिया पानी में से आते हुए, तो कहानी बहुत ख़राब हो जाएगी. एसएम का आमना सामना डीसी, और एसएम का आमना सामना हाउ डेयर यू को दिया नेड 1-2 और ये बच गए, नहीं हो गए खलास. बहुत आला डीसी डेस्ट्रो, K4E, Zeno,
बहुत आला, बहुत आला गाइस, आला 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 आला, डेस्ट्रो को दिया, नॉक कर दिया आरके उजैर ने। अगर एप्पल को भी खा गए तो, एप्पल को भी खा गया, डीसी के सिर्फ बाबा बचे हैं, उसके बाद पूरा का पूरा गेम खलास। डीसी बाबा के सामने पीएस प्लान भी है जिससे बच कर उनको आना है, लेकिन पीएस के रीपर को उन्होंने कर दिया नॉक और पूरा का पूरा खाएंगे। किल पक्का करना बहुत ज़रूरी है, किल पक्का करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें आरके उजैर जो अकेले बचे हैं आरके क्लैन के, वो किसी तरीके से बने रहना चाहते हैं गेम के अंदर। ओके, आरएस और आरके क्लैन हमारे सामने और के फॉर ई के एक प्लेयर जीनो, आरके के एक प्लेयर जो बचे हैं और उसके सामने हैं पीएस के वुल्फ और रेज। पीएस क्लैन इस टाइम टॉप पे है क्योंकि उनके दो प्लेयर जिंदा हैं, लेकिन दिस गेम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। तीन प्लेयर जिंदा, सॉरी, तीन प्लेयर इनके जिंदा हैं, आरके का उजैर जिंदा है और पीछे जो है वो के फॉर ई के जीनो। ये देखें ये लास्ट पोजीशंस हैं सबकी, देखते हैं कौन विन करेगा, ये चिकन डिनर कौन करेगा। ये देखें पीएस का मुझे चिकन डिनर होता हुआ नज़र आ रहा है फॉर मी, बट आरके के उजैर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं फिलहाल, सेंटर में बैठे हैं। जीनो को उड़ा दिया आरके उजैर ने, एक और किल पक्का किया अपनी टीम के लिए, बहुत आला गेम प्ले। ये देखें जी पीएस वुल्फ अभी फ्लैंक कर रही है किसी तरीके से जो है वो हमें किल मिल जाए। ओके, आरके उजैर ने एक किल तो ले लेंगे, मुझे लगता है एक किल तो ले लेंगे। 1 2 3 दोनों प्लेयर नॉक, ओ माय गॉड, अगर अगर हेल्थ होती तो उजैर भाई ने काम चक दिया था, चक दिया था, चक दिया था। पीएस वालों ने कर लिया है चिकन डिनर, उनके लिए सबसे पहले चिकन डिनर वीडियो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ रिजल्ट्स। ये देखें जी ये हमारे सामने रिजल्ट, 4 किल के साथ पीएस क्लैन ने किया चिकन डिनर, आरके वालों ने किए हैं 8 किल और सेकंड पोजीशन पे, और के फॉर ई वालों के 4 किल और तीसरी पोजीशन पे, फिर डीसी के हैं 6 किल और चौथी पोजीशन पे, उसके साथ ही हाओ, फिर एसएम 7वें पे जो है एफडी, और आप देखें 8वें पे हैं गीकी, 9वें पे हैं मिस्टर वासिफ, 10वें पे डीसी किंग, और आरएसएल जो है वो 11वें नंबर पे हैं, और इसी तरह 12वें पे 512 मलिक, बोटो शामी, एम बी के जो हैं वो एम बी एक्स जो हैं वो 14 पे, 15 पे एंग्री रवान। सो ये हमारा आज का था तीसरा मैच सनहॉक में, बहुत आला गेम प्ले गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि गाइस सब्सक्राइब का बटन दबाते रहो। अगला मैच जो हमारा आखिरी मैच होगा वो होगा विकेंडी में, और वो होगा 10 मिनट में शुरू। आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, उसके बाद आपने कहीं जाना नहीं है, और उसके बाद आपने सब्सक्राइब करते रहना है, बस ये तीन काम आपने करते रहना है। समझ आ गई है? नहीं आई समझ, अभी आ जाएगी, जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं, आपका भाई आपको मिलता है थोड़ी देर में, कहीं जाइएगा मत, यहीं रहना। अल्लाह हाफिज़, बल्कि बी राइट बैक।
सो गाइज वेलकम बैक गाइज, आखिरी मैच स्टार्ट होने वाला है वीकेंड ही में। सब लोग बैठ गए अपने अपनी पोजीशंस पे और कभी भी किसी भी लम्हे जो है वो मैच स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस गाइज, और जितने भी लोग रेगुलरली देख रहे हैं, कंटिन्यूसली देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। बस इसी तरह भाई को सपोर्ट करते रहो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब का बटन लाजिम दबाओ, बहुत ज़रूरी काम है। पूरे का पूरा क्लैन आ गया है, हाउ भी पूरा हो गया है, बस देखना ये है कि मैच कैसा जाएगा। आखिरी मैच है, शुड बी इंटरेस्टिंग, इट विल बी इंटरेस्टिंग। सो आपको अगर अच्छा लग रहा है, भाई की कमेंट्री अच्छी लग रही है, भाई को कोई फीडबैक देना हो, गालियां देनी हो, जो दिल करे करना हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे वेट रहता है आप लोगों के फीडबैक का।
और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे बात करते हो, बेशक वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कहीं पे भी। सो कीप टाइपिंग, कीप कमेंटिंग, कीप मैसेजिंग मी। मुझे अच्छा लगता है आप लोग से बात करके। सो बात करते रहो ताकि ये हमारा रिश्ता जो है ना आपस का ये बना रहे। ये बनना बहुत ज़रूरी है और ये होना बहुत ज़रूरी है। सो बस मैच होने लगा है स्टार्ट। किसी भी पल कहीं भी जाना नहीं है आपने, ठीक है ना। आज जो होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, आज जो है वो टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, बाकी की जो टीम्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। ठीक है, म्यूज़िक मैंने थोड़ा सा डाउन कर दिया है। एक मिनट टीम से पूछता हूँ कि मैच स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। लो जी, मैच हो गया है स्टार्ट। मैं लेके जाता हूँ आपको मैच की तरफ। और ये देखिए, मज़ा आ गया वैसे। नया यार, मैंने आरपी ख़रीदा है गाइस, अगर आप लोगों को पता हो। मैंने आरपी लिया 600 यूसी वाला, मिला ही कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक ड्रेस दे दिया मेरे मुंह पे, मारा उन्होंने ये कपड़े पकड़ो, और आरपी 5 या 6 तक दिया है, वरना 20-25 तक जाता है आरपी। ये क्या किया मुझे खुद समझ नहीं आई है। एंचो आरपी के सारे यूसी खा लिए हैं गांडुओं ने। सो किसी को पता है यार क्या सीट है तो मुझे ज़रूर बताओ यार, कि क्या चक्कर है, क्या चुतियापा चल रहा है ये। फ्री रूम्स आप मुझसे पूछ रहे हो या आप बता रहे हो कि आपके पास हैं? डन हो गया अफसर भाई। इंशाल्लाह अभी जब मैं चिल वाली स्ट्रीम करूँगा ना टूर्नामेंट के बाद, फिर आप बस ज़िंदगी में मेरे साथ रहिएगा, बनाते रहेंगे रूम। लो जी, जाके देखते हैं डीसी वालों को। फाइव ट्वेल्व और डीसी सारे दोनों जो हैं वो आमने सामने उतरे हैं। इट सीम्स के 512 वालों का कुछ डीसी चल रहा है, नहीं चल गया इनका, मुझे लगा लैग शैग हो रहा है। ये आमना सामना हुआ, किसी भी लम्हे फायर खोलने वाला है, पंगे होने वाले ने। और ये देखिए थोड़ा दूर है अभी कहानी लड़ाई होने से, लेकिन लड़ाई होगी ज़रूर। आर के शाह, सबसे पहले मैं शार्क को बोल दूं कि भाई आज 20 टीमें खेल रही हैं, 20 में से 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी और बाकी डिसक्वालीफाई हो जाएंगी। और मेरा आप लोगों से जो है यही कहना है कि जो जो लोग अपनी अपनी टीम्स लेकर आए हुए हैं, अपने ग्रुप टीममेट्स को ज़रा रेडी रखा करें, क्योंकि किसी टीम का एक बंदा कम है, किसी के दो बंदे कम है, इस तरह आपके हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपने स्क्वाड रजिस्टर करना है, लेकिन इट्स टू लेट नाउ, ऑलरेडी टूर्नामेंट स्टार्ट है
और एक मिनट, यहाँ पे लड़ाई भी हो रही है, ज़रा लड़ाई देखें जाके एंग्री वालों की। अब कितने गया एंग्री, क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई? एंग्री वाले ने खा दिया, खा लिया, इनकी लड़ाई होगी थोड़ी, हमें मिस कर दिया, हम लोग जरा बातों में लगे हुए थे। अभी जाके ज़रा देखते हैं दूसरी टीम्स को भी। गाइस जाने से पहले आप दोनों सब्सक्राइब लाजिम करके जाना, सब्सक्राइब करते रहना, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। K4E कल, अभी इसका सेकंड सीज़न हम शुरू करेंगे, इस साल नहीं, अगले साल दिसंबर में करेंगे या दिसंबर के बाद करेंगे। लेकिन स्ट्रीम चलती रहती है, टूर्नामेंट होते रहते हैं छोटे छोटे, आपने बने रहना है और भाई को सपोर्ट करते रहना है। भाई आपके बहुत सारे जो है ना मैचेस करवाता रहता है, हर हफ्ते कस्टम रूम्स बनते हैं, यूसी गवेवे होता है। 512 ने हमला कर दिया फाइनली, और डीसी बाबा जो है वो हो गए हैं नॉक। डीसी बाबा को नॉक कर दिया, डीसी बाबा ने पुश करने की कोशिश की, और अभी डेफिनेटली कोई ना कोई इनको रिवाइव देने आएगा और उसका फ़ायदा उठाएंगे ये लोग, और एक बंदा और खाने की कोशिश करेंगे ताकि इनका जो है जो बैलेंस वापस आ जाए। लेकिन गलत गलत गलत, पीछे से आगे से दोनों तरफ से इनको पड़े फायर, गलत जगह से नीचे उतरे और उसका नुकसान उठाया। लेकिन भाई क्या बात है, मोइज़ ओपी, मोइज ने जो है वो अपने डेस्ट्रो के पास कोई ऑप्शन नहीं इसके कि वो अपने टीममेट को बचाएं, और वही किया उन्होंने। 2v2 रह गया यहाँ पे, वापस जाते हैं किसी और की तरफ। एफडी का क्लैन जो है वो डीसी वालों से बचता बचाता आगे की तरफ भाग रहा है, और सामने एसएम का क्लैन है, और इनका आमना सामना होने लगा है कुछ ही लम्हे में। नहीं भाई कोई हैकर नहीं है, हम लोग डबल चेक करते हैं हर चीज़, डोंट वरी अबाउट इट, बिल्कुल क्लीन रूम्स बनते हैं हमारे इधर, कोई हैकिंग वाला सीन ही नहीं है। वी किक आउट ऑल द हैकर्स, कोई इसमें नो मर्सी, नो वरी। इतने भी लौंडे देख रहे हो, स्ट्रीम को शेयर करते रहो। यहाँ पे जाके देखते हैं वापस से लड़ाई शायद इनकी आपस में हो जाए। फाइव ट्वेल्व हमजा ओपी, डीसी बाबा और डेस्ट्रो वापस आए हैं। 512 ने बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया इस जगह पे, क्योंकि इन्होंने दो होते हुए और डीसी वालों के दो बंदे उड़ा दिए जबकि वो चार थे, फिर भी बहुत अच्छा गेम प्ले, बहुत अच्छी फाइट, मज़ा आया। आरएस टोटल विनिंग प्राइस 50,000 है, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा टॉप 10 टीम्स में, और उसके बाद जो है वो कुछ स्पेशल प्राइजेस भी हैं जो लास्ट फाइनल वाले दिन दिए जाएंगे। डीसी तीफा, डीसी का और उसका 512 का वापस से हुआ मुकाबला, और डीसी डेस्ट्रो को उन्होंने कर दिया है नॉक। डीसी बाबा सिर्फ बचे हैं, इधर से हमजा भी नॉक हैं। सिर्फ 1v1 का, 1v1 का मुकाबला रहता है। डीसी बाबा ने भी अपने प्लेयर को बचाने के लिए कोशिश की है। अब जो मोइज़ है, मोइज़ ओपी, अब देखते हैं कि ये
डीसी बाबा को ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। डीसी बाबा मौज आए बाहर और आमना सामना, और डीसी ने पूरा का पूरा खा लिया। डीसी हमज़ा आएंगे बाहर, और अगर जो डीसी बाबा को इन्होंने उड़ा दिया तो गेम हो जाएगी खलास, अदरवाइज़ मुश्किल है। आई थिंक वेट नहीं करना चाहिए, और ये दिया इन्होंने स्प्रे, और डीसी ने ये गेम जीत ली, ये फाइट जीत ली, और फाइनली दे बोथ सर्वाइव्ड। मिस्टर मुफासा आरकेशा, हर हफ्ते हम कस्टम रूम्स करवाते हैं टूर्नामेंट के बाद, हर संडे को लाइव स्ट्रीम होती है, कभी कभी फ्राइडे को भी होती है। सो बस इसलिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जैसे ही आएगा तुम्हारा भाई अपना क्लैन लेके पहुँच जाओ। कस्टम रूम्स हमेशा मेरे हर स्ट्रीम में होते हैं, कस्टम रूम लाजिम होते हैं। उसके अलावा मेरा अपना गेम प्ले, अगर मैं GTA 5 खेलूँ या कुछ और खेलूँ वो अलग है, अदरवाइज़ कस्टम रूम लाजिम है। पबजी लाजिम ब्रदर, पबजी लाजिम। PNX भाई डन हो गया, आप सबसे पहले हो, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अभी जो लोग दुबई में रहते हैं वो रेडी हो जाएं, क्योंकि दुबई में अभी मैं करवाने लगा हूँ टूर्नामेंट, सिर्फ दुबई के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक मज़े की चीज़ रखने वाला हूँ वो ये, कोई एक बंदा दुबई के बाहर से पार्टिसिपेट कर सकता है। आपके क्लैन में चार लोगों के क्लैन में तीन लोग दुबई में होने चाहिए, कोई एक बंदा बाहर से भी हो सकता है। सो इस तरह से बाहर के लोग भी उस चीज़ में आ सकते हैं। लाइव स्ट्रीम होगी, आमना सामना होगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। उसका स्केड्यूल, उसकी डेट्स, उसका सब कुछ बहुत जल्द मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। आपने फटाफट करके रजिस्ट्रेशन करवानी है। और धर्म्स में होगा भाई कैश प्राइस, ये चीज़ दिमाग में रखना, पैसों में नहीं होगा। तो बड़ी चीज़ है, बड़ी गेम है, आना ज़रूर है। RS फायर के सामने हैं MBX के पूरे के पूरे क्लैन। नो, RS रॉबिन को कर दिया नॉक, RS MBX के स्मोकर ने। और अभी 2v2 का मुकाबला है, दो लोग उनके नॉक हैं, दो लोग उनके नॉक हैं। RS सना आई हैं पीछे से, ये हुआ आमना सामना, और ये स्प्रे दिया RS सना ने। RS सना के सामने हैं गोकू, RS फायर ने MBX के हरी को भी कर दिया है नॉक। देखते हैं इनका गेम प्ले। बहुत आला गाइस, बहुत आला। MBX नोमान ये ऊपर से आए फ्लैंक करके, जिसका फायदा होगा इनकी टीम को बहुत ज्यादा, क्योंकि टॉप पे आ गए RS फायर और RS आइज जो है वो नॉक हैं। MBX नोमान बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं, और सना को भी कर दिया नॉक। अपने प्लेयर को बचाने की कोशिश, फ़ायदा ले सकते थे इस सिचुएशन का, लेकिन नहीं हुआ। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब गाइस, इसी तरह रहें आमने सामने। ओके, MBX उड़ गया, पूरा क्लैन ख़त्म, पूरा स्क्वाड वाइप, और RS ऑन द टॉप गाइस। RS वालों के किल बहुत अच्छे जा रहे हैं, अभी तक मैंने काउंट किए हैं, किल बहुत अच्छे जा रहे हैं। RK को दिखाते हैं, RK जिनी लो मिस्टर वालों को नहीं छोड़े भाई, मिस्टर वालों का हमेशा पीछा करते हैं लोग, कभी भी देख लो मिस्टर वालों के पीछे पीछे ही होते हैं। FD एजाज, थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहो, और भाई को
आपने जो है ना ये पेट भरते रहना भाई का, भाई का पेट इसी चीज़ से भरता है कि आपकी तरफ से मोहब्बत प्यार जब से कर दिया ना, बस यही चाहिए। डिसरिस्पेक्ट को देखते हैं, डिसरिस्पेक्ट किधर है भाई। लोंडा लोंडा पहले मैच में ऐसी नज़र लगाई है आप लोगों ने, उसके बाद उस बेचारे से परफॉर्म ही नहीं हो रहा, बस नज़रें लगा देते हो यार। अब उसको ले जाना पड़ेगा, नज़र नज़र उतारनी पड़ेगी, फिर जाके वो प्लेयर जो है ना अपना दोबारा से अच्छा खेलेगा। गलत बात है यार, नज़रें लगाते हो तुम लोग। NOE एंग्री, ये हुआ आमना और सामना और एंग्री रवान भाग रहे हैं। सबके सब सर्कल में जाने की कोशिश, सम अमीगो जो सर्कल में जा चुके हैं। और मालिक भाई किधर, इंसानों में किधर, ये आप देख सकते हैं मिस्टर और आरके वालों का हुआ आमना सामना, और मुझे आरके वाले जो है ना वो खतरे में लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। मिस्टर वासिफ को उड़ा दिया, डिसरिस्पेक्ट भाई, बंदा कमाल है, बोलो ना बोलो। फिलहाल सर्वाइव्ड, भाई ओपी गेम प्ले तो हर बंदा ओपी कर रहा है, मजाक नहीं कर रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनमें से टॉप 8 रहेगा कौन। सब के सब अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी नोबड़ा नहीं आया हुआ, सच बता रहा हूँ। यार ये क्या तुमने एक दिल पे मेरे तीर लगा दिया इजी पैसा वाली बात करके, मैनू आंदा ही नहीं, मैनू दसो, मेरी हेल्प करो ताकि मैं भी जड़ा ना ओ इत्थे पावां, ते तुसी जड़े हो ते सुपर चैट करो ते भरा नू हेल्प करो। स्ट्रीम सपोर्ट मैंने अभी तक नहीं डाली, मैंने कहा फ़िलहाल चैनल ग्रो कर लें फिर स्ट्रीम सपोर्ट आपसे लेंगे। मैं फ़िलहाल इस चक्कर में लगा हुआ हूँ कि चैनल ग्रो हो जाए। क्या बात है आरके वाला, हो तुम्हारी क्या बात है। ये लो जी डिसरिस्पेक्ट का एक किल है, एनओई को ताड़ के बैठा हुआ लड़का, पीसी पीएस सॉरी पीएस वाले आरके वालों को ताड़ के बैठे हैं। ये चेक करें आप, इसमें नज़र कैसे आता लोगों को, मैं समझ नहीं आती है। बस ब्रा हुक्म क्या करना, अर्ज है सबसे कि बस सब्सक्राइब करो, चैनल ग्रो करेगा फिर भाई ये इजी कैश कुछ कुछ जो भी है। अब मैं बैठा हूँ दुबई में तो मुझे हेल्प आप लोगों ने ही करनी है, आप लोग मशवरे दो। और मैं एक मुझे एक टीम चाहिए फॉर डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड के चैनल के लिए एक मुझे बंदा चाहिए जो अच्छा है, अच्छे लिंक्स में है, अच्छा हैंडल कर सकता है चैनल को। मुझसे ज़रूर रब्ता करें डिस्कॉर्ड पे, मेरे डिस्कॉर्ड का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। सो उसको एज अ मॉड हायर किया जाएगा। ये एंग्री रवान के हिट लिस्ट पे, नहीं लेट कर देती है ना यार लड़के, तुमने लेट कर दिया, बहुत लेट कर दिया। शो डीसी, डीसी को दिखाते हैं फ़िलहाल, ये फाइट देख लें ज़रा। एंग्री नवाब ने कर दिया रश, एंग्री नवाब जो हैं वो इस टाइम घर के बाहर हैं, अंदर एन ओ ई के जहरा और शहीर भाई। जेनीलो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम, वेयर एवर यू आर अवेलेबल, मुझे बताओ अगर भाई को हेल्प कर सकते हो, भाई को सपोर्ट कर सकते हो, ज़रूर करो, मैं आपका एज अ मोड हायर करूँगा। उसको बता दो यार, जो जो भी उससे कांटेक्ट में उसको बताओ मुझे डिस्कॉर्ड पे मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। अच्छा जी अभी जाके देखते हैं एंग्री नवाब जो है ना वो छाए में, एंग्री नवाब जो है ना अन्नी पाई थी उन्होंने, एक मिनट जाके देखें एंग्री वालों ने क्या अन्नी पाई है। ये देखें पूरा का पूरा स्क्वाड वाइप, एक बंदा बाहर बचा है और उसको
को एंग्री रवान जो है वो छील रहे हैं। एंग्री रवान खुद नॉक हो गए, लेकिन पीछे से आके एंग्री नवाब ने फिर बचा लिया अपने एक और प्लेयर को। ये देखें एसएम और आरएस वालों का आमना सामना। आरएस वालों ने मच्छी एज़ यूजल खाई हुई है, सलाह जीतें खा के पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, समंदर पे आए हुए हैं। मेरी जान मैं दुबई में रहता हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ, सो इसलिए पैसा वगैरह थोड़ा सा डिले हो गया मेरे से, ये चीज़ें मुझे पता नहीं है, मतलब पता है लेकिन अभी तक मैंने शुरू नहीं किया। अभी ज़रा चैनल ग्रो कर जाए, इस लेवल तक आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह ये सब करेंगे, टेंशन नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ जो भी बंदा आ रहा है, देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। एंग्री रवान गाड़ी लेके सर्कल के अंदर जाने की कोशिश में, और ये गए सर्कल में। अभी हमारा छोटा सर्कल शुरू, छोटे सर्कल में जो फाइट होती है वो बड़ी मज़ेदार होती है। बस ठीक है, आरके की जो ज़नीलो है, ज़नीलो भाई को बोलो कि मुझसे रब्ता ज़रूर करें। डीसी वालों की फ़ाइट है भाई, डीसी टीफा जो है वो नॉक सामने। भाई कौन है जो अन्नी पाई हुई, जिसने कौन है, ये पांच बंदे कैसे हैं। अच्छा डीसी के दो क्लैन हैं, ओके अब समझ ही नहीं आ रही कौन किसको, 8 नंबर और 2 नंबर, ओके। भाई सारों को खा गया डीसी डेस्ट्रो, सबको खा गया, अपने ही संगी यारों को खा गया। आरके के सामने आ गया है 2 नंबर क्लैन। एंग्री डेविल, एंग्री और आरके वालों का आमना सामना हो चुका है भाई, बड़ी आला किस्म की फ़ाइट होने वाली। आरके सुल्तान, आरके नवाब और एंग्री डेविल और जनीलो और डिसरिस्पेक्ट आ गए हैं एक ही घर में। जनीलो को दिया स्प्रे और जनीलो हो गए नॉक। इधर से एंग्री नवाब जो हैं, एंग्री नवाब इनके अच्छे प्लेयर हैं, मुझे जहाँ तक नज़र आता है। ये देखें डिसरिस्पेक्ट एंग्री नवाब के सामने आएंगे, पीछे से फ्लैंक करके आ रहे हैं ताकि अच्छा जो है वो एंग्री सुल्तान को ले लिया, पूरा खा चुके हैं एंग्री नवाब। पीछे से फ्लैंक करके आएंगे आई गेस। आर के डिसरिस्पेक्ट यार बहुत आला गेम प्ले, मेरी जान मज़ा आ रहा है आपका गेम प्ले देख के। ये देखें एंग्री के दो लोंडे, हेल्थ इनकी कम है, कम हेल्थ पे ज़िंदगी जीते हुए एंग्री नवाब आए आमने सामने डिसरिस्पेक्ट के, और डिसरिस्पेक्ट जो है वो उजी से इन पे रश करते हुए 1 2 और ये 3 एंग्री डेविल भी हो गए नॉक। एंग्री नवाब आए 1 2 और 3, एंग्री नवाब भी नॉक। आरके वालों तुसी छा गए हो, एंग्री रवान सिर्फ बचे हैं जिनका सामना किसी और क्लैन से भी हुआ हुआ है। बहुत ज़्यादा सैंडविच सिचुएशन चल रही है इनके लिए, क्योंकि ये दोनों तरफ से सैंडविच हुए हैं, इधर से आरके क्लैन है और दूसरी तरफ से गीकी क्लैन है। गीकी वाले भी जो हैं वो डेफिनेटली फायर की आवाज़ सुन के, गोलियों की आवाज़ सुन के सब के सब भागते हैं कि हाँ वो चलो थर्ड पार्टी करते हैं। लो जी डिसरिस्पेक्ट को कर दिया है नॉक एंग्री रवान ने, एंग्री रवान का आमना सामना। जार के जनीलो को उड़ा दिया, बहुत आला। आर के क्लैन वाइप्ड। उन्नीस लोग जिंदा हैं, 7 टीमें जिंदा हैं, और आखिरी का जो हमारा चल रहा है सर्कल, लास्ट मैच आज का। आज 8 टीमें क्वालिफाइड होंगी और बाकी की 12 टीमें डिसक्वालीफाई हो जाएंगी। एंग्री रवान को पूरा कर दिया है गिकी ने, और अभी पीएस हमारे पास बचे हैं, आरएस और हमारे पास बचे हैं कितने क्लैन बचे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें डीसी के एक बंदा एफडी बचा है, K4E का क्लैन बचा, गिकी पीएस और आरएस।
आरएस फायर, आमना सामना एफडी वालों ने किया है, थर्ड पार्टी चेक कर रहे हैं आप, ये देखें जनीलो आप बचा सकते थे जलीलो को सबको, लेकिन बचा नहीं पाए। बहुत आला किस्म का, मतलब इस टाइम ना आहो उत्तों वीकेंडी चल रहा है तो सर्दी भी लग रही है। ओह माय गॉड, के फॉर ई डीसी डेस्ट्रो, इनका दूसरा प्लेयर भी खाएंगे। कोशिश पूरी है कि पूरा का पूरा जो है ना वो क्लैन उड़ाया जाए। देखना है कि ये के फॉर ई जैनो जो है वो इनको पूरा खा जाएंगे कि नहीं। आना सामना और ये उड़ा दिया और अपने प्लेयर्स को कर दिया रिवाइव। गुड गेम प्ले, बहुत आला। पी एस वाले क्लैन वाले जो अच्छे सेफ स्क्वाड हाउस में बैठे हुए हैं, एफडी वाइपर, आरएस फायर, आरएस आइस को कर दिया किसी ने पूरा, जाके देखते हैं। एफडी वाइपर नॉक हैं, आरएस सना भाई मेरा ना मुझे पागल कर दिया, इतनी ज़्यादा जो एक साथ जो है वो जंगे चल रही हैं। के फोर ई सेंडिकेट को उड़ा दिया है पीएसके रीपर ने। पीएसके रीपर जो खिड़की से देख रहे थे काफ़ी देर से, एफडी जो ब्लैक बुल भाई प्लीज़ अपने लिए कोई कुटी का शिका लगवाओ, डॉक्टर को लो, टटियाँ लगी हैं नहीं तो मतलब कि हेल्थ कम है आपकी। गीकी आरएस पीएस रेज, चार टीमें बची हैं, 13 लोग बचे हैं। ख़तरनाक किस्म का गेम प्ले चल रहा है भाई, ये चेक करें आप। एफडी विचर, गीकी और पीएस और आरएस सब एक दूसरे को घेर के बैठे हुए हैं। बहुत ही टफ और ओपन सिचुएशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सिचुएशन है हमारी लास्ट की, आरएस पीएस एफडी और गीकी, चेक करें ज़रा आप, चेक ही कर लें आप। आरएस का पूरा क्लैन उड़ा दिया है पीएस ने। पीएस जिंदाबाद, बहुत आला गेम प्ले, बहुत आला गेम प्ले। पीएस के एफडी ने अब गीकी वालों पे कर दिया है रश। गीकी और एफडी आमने सामने, एफडी बचे हैं, गीकी उड़ गए, गीकी का एक प्लेयर बचा है। गीकी के एफडी के ब्लैक बुल जो हैं वो पीएस पे रश करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पीएस के चार प्लेयर हैं। और ये आमना सामना हुआ एफडी ब्लैक बुल से, और एफडी ब्लैक बुल ने एक बंदे को कर दिया नॉक और दूसरे ने उड़ा दिया, और एफडी के बाकी के प्लेयर जो हैं इनको पीछे से बैकअप कर रहे हैं। जेस्टर जो पीएस के हैं उन्होंने अपने टीममेट को बचाने की पूरी कोशिश की है। पीएस के रीपर भी आ गए, रेज भी आ गए, सब ने ब्लैक बुल को घेर लिया है, और पीछे से जो इनका एफडी के एजाज़ हैं इन्होंने अच्छा गेम प्ले दिया, लेकिन उड़ गए। सिर्फ गीकी बचे हैं, गीकी भी उड़ गए और मैच हो गया ख़त्म। यह हमारा लास्ट मैच था। पीएस ने किया है इस दफ़ा चिकन डिनर विद 7 किल्स, और गीकी ने आए हैं सेकंड पोजीशन पे 0 किल। एफडी जो है वो 6, 2, 4 और 5 किल के साथ तीसरे पोजीशन पे। पहले मैं दिखा दूं आपको चिकन डिनर वीडियो फॉर पीएस। बहुत आला गेम प्ले गाइस, आरएस वाले आए हैं चौथे नंबर पे, पांचवें पे हैं के फोर ई के जैनो और दूसरे प्लेयर, फिर डीसी वाले छठे नंबर पे, सातवें पे एंग्री रवान, आठवें पे आरके, नौवें पे डीसी, दसवें पे एसएमडीसी के जो दो क्लैन हैं दोनों ने आज कोई अच्छा खास गेम प्ले नहीं किया। एनओई जो है वो 11वें पे, 12वें पे मिस्टर, 13वें पे एमबी एक्स और 14वें पे हैं 512, 15 पे हाओ और 16 पे वोटो। ये देखें ये आज का गेम प्ले,
सारा का सारा आपके सामने रिजल्ट है, जिसकी जो पोजीशंस हैं, काउंटिंग चल रही है, पॉइंट्स की रिजल्ट जो हैं आज रात तक इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो जाएंगे। तब तक जो है वो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा गाइस। अभी आपने एक काम करना है, वो ये है कि आपने जाके सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना है। सब्सक्राइब का बटन का जो टडिंग 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 जो है ना, वो मुझे आवाज़ आनी चाहिए। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा जो है वो स्केड्यूल है। ग्रुप राउंड्स हमारे शुरू हैं, जिसमें जो हमारे चार दिन चलेंगे, 17, 18, 19, 20 को। चार दिन हमारा सेमीफाइनल चलेगा, 22, 23, 24, 25 को। और फाइनल जो है वो तीन दिन चलेगा, 27, 28 और 29 को। सो ग्रुप राउंड्स हमारा डब्ल्यू जो था वो ग्रुप राउंड हमारा ख़त्म हो चुका है। आज 17 तारीख थी, कल एक्स का होगा, परसों वाई का, फिर 20 को जेड का। सो गाइज, आप लोगों से इल्तजा है, अर्ज़ है, मोहब्बत है कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो इस पूरे लीग को, कॉम्बैट पबजी मोबाइल लीग सीज़न 1 को। और आपकी सपोर्ट यही है कि आप सब्सक्राइब करते रहो, दैट्स ऑल। और स्ट्रीम को लाइक ज़रूर करना। और भाई आपका जो है ये काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। काउंटिंग जैसी ख़त्म होगी, मेरे इंस्टाग्राम पे जो है वो आपको काउंटिंग मिल जाएगी। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने जाके मुझे फॉलो करना है और यहाँ पे आपको रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आज के फॉर रिजल्ट्स यू हैव टू गो ऑन माय इंस्टाग्राम विच इज़ दिस। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है। आपने इस तरह आपको रिजल्ट्स जो है और टूर्नामेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, ये देखें कौन कौन से ग्रुप्स हैं, और उसके अलावा ग्रुप राउंड सेमीफाइनल जितना भी स्केड्यूल है, ये देखें इस तरह से आपको रिजल्ट्स भी आज रात को इधर ही पोस्ट मिल जाएंगे आज के। ठीक है, सो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस पे जाके मुझे लाइक फॉलो कर लो। बाकी की बातें इंशाल्लाह कल होंगी। दैट्स ऑल गाइस, आज की स्ट्रीम यहीं पे ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सबका ख्याल रखें, और